जीवनामध्ये अजून एक वर्ष वाढवून दिले. As we all know, in the last year, many people of God, saints of God, have gone to be with the Lord. हम जानते हैं पिछले साल के बाद कई संत लोग प्रभु के पास चले गए. आपण जाणतो की मागील वर्षामध्ये अनेक देवाचे लोक, अनेक संतगण हे प्रभू मध्ये विलीन झाले. Even some of our senior servants of God were taken home. और हमारे कुछ बुजुर्ग सेवक भी प्रभु के पास चले गए. आपले अनेक वरिष्ठ असलेले सेवकगण सुद्धा प्रभूच्या भवनाकडे गेले. But God has given us one more year to live for Him. लेकिन हमें प्रभु एक और साल दिया ताकि हम उसके लिए जीवन बिताए. परंतु प्रभु करिता जगण्यासाठी प्रभूने अजून एक वर्ष दिले. And the only thing we could do is to pray for one another. और हम एक ही काम रहे कि आपस में दुआ करें. आणि आपण एकच करू शकतो ते म्हणजे एकमेकांसाठी प्रार्थना करू शकतो. And we are so thankful to you all for your valuable prayers. और आपके कीमती प्रार्थना के लिए हम आभारी हैं. तुमच्या मूल्यवान प्रार्थनेसाठी आम्ही फार मनपूर्वक आभारी आहोत. As you heard during the time of prayer, even this week we have got two conventions. जैसे प्रार्थना के वक्त आपने सुना था, इस हफ्ते भी हमारे लिए दो कन्वेन्शन है. प्रार्थनेच्या वेळेला ऐकल्याप्रमाणे या आठवड्यामध्ये सुद्धा दोन संमेलन आहे. प्लीज कंटिन्यू टू प्रे फॉर अस. इसलिए लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहे. त्यामुळे तुम्ही आमच्यासाठी निरंतर प्रार्थना करीत रहा. एंड फॉर आवर मेडिटेशन दिस मॉर्निंग शैल वी टर्न टू द बुक ऑफ आयसाया. आज सुबह के ध्यान के लिए आइए यशायाह की किताब में जाएं. आजच्या मननासाठी यशायाच्या पुस्तकाकडे वळूया. चैप्टर 54 54 वर्स 2 दूसरा वचन. दुसरे वचन. आपल्या डेराची जागा काढी, आपल्या राहुट्याच्या कणाथी पसरू दे, अटकाव करू नको, आपल्या दोरे लांब कर, मेखा पक्क्या कर. अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं. हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर. Enlarge the place of thy tent and let them stretch forth the curtains of thine habitations. Spare not, lengthen thy cords and strengthen thy stakes. The uncle of Rahul Singh from Mulland is requested to come to the main gate in the hall. Once again we announce, the uncle of Rahul Singh from Mulland is requested to come to the main gate hall. Indi. राहुल सिंह का अंकल जो है वो जो मुलंड से है उनसे दरखास्त किया जाता है कि वो मेन गेट में, हॉल के मेन गेट में आ जाए. प्रेज़ बी टू गॉड. प्रभु के नाम की महिमा हो. निर्वाचन वाला धन्यवाद. एनलार्ज द प्लेस ऑफ दाई टेंट. तेरे तंबू को तू चौड़ा कर. डेरियांची जागा वाढ़ी. एंड लेट देम स्ट्रेच फॉर द कर्टन्स ऑफ दाइन हैबिटेशन्स. और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए. आणि तुझ्या कनाथींचे जे कनाथी पसरून दे. स्पॅन आउट, लेंथन दाई कॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथन दाई स्टेक्स. रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर. अटकाव करू नको, अपल्या दोऱ्या लांब कर. प्रेज़ स्वीट गॉड. प्रभु के नाम की महिमा हो. प्रभुच्या नावाला धन्यवाद असो. वी कैन टेक दिस वर्स एज अ प्रॉमिस वर्स. ये वचन को एक वायदा का वचन होकर हम ले. या वचनाला अभिवचनाचे वचन होऊन आपण स्वीकारू शकतो. एट द सेम टाइम दिस वर्स ऑल्सो रिवील्स द डिझायर ऑफ गॉड कंसर्निंग एव्हरी वन ऑफ अस. और ऐसी हालत में हम ये भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारे के बारे में परमेश्वर का आग्रह है. त्याच रीतीने हे वचन हे प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये असलेले प्रभूचे इच्छा आग्रह आहे. व्हेन वी लुक ऍट दिस वर्स फ्रॉम अनदर अँगल. हम दुसरे दृष्टिकोन से जब इस वचन को देखते हैं. दुसरे अजून एका दृष्टिकोनाने याच वचनाकडे पाहताना. वी कॅन ऑल्सो से दॅट दिस वर्स अप्लाईज टू सर्वंट्स ऑफ गॉड. हम देखते की ये वचन जो आहे प्रभु के सेवकों के लिए भी है. आपण असेही म्हणू शकतो की देवाच्या सेवकांना हे वचन लागू आहे. बिकॉज वर्स 1 सेज सिंग ओ बॅरन thou that didst not bear. क्योंकि ये 54 अध्याय का पहला वचन में ऐ बांश तू जो पुत्रहीन है जे जे कार कर, ऐसे हम पढ़ते हैं. कारण त्या पहिल्या वचनात वाचतो मूल न झालेले वंदे आनंदाने गजर कर. ब्रेक फॉर्थ इन द सिंगिंग एंड क्राय अलाउड दॅट thou didst not travail with child. तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार. ज्या तुला प्रसूती वेदना माहित नाही ती तू आनंदाने जय घोष कर. For more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the
लॉर्ड, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे, ये हुआ का ही वचन है। कारण विवाहित स्त्रीचा मुलांपेक्षा सोडलेली मुले पुष्कळ आहे तसे परमेश्वर म्हणतो। दिस स्पीक्स अबाउट सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ये प्रभु के सेवकों के बारे में बोला, देवकाच्या सेवकांविषयी। यस, सर्वेंट्स ऑफ गॉड डोंट बेअर लिटरल चिल्ड्रन बट दे बेअर थाउजंड्स ऑफ स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। हम सेवक लोग शाब्दिक तौर पर बच्चे उत्पन्न नहीं करते लेकिन बहुत से परमेश्वर के आत्मिक बच्चों को उत्पन्न करते हैं। देवा जे सेवक शारीरिक मुलांना उत्पन्न करीत नाही तरी आत्मिक अर्थाने अनेक मुलांना ते उत्पन्न करता। बट द वर्स टू वी कैन कंपेयर बोथ टू सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड बिलीवर्स। लेकिन दूसरा वचन वो सेवकों के लिए और विश्वासियों के लिए वो तुलना करके पढ़ सकते हैं। दूसरे वचन है सेवकां बरोबर त्याच रीतीने विश्वासणाऱ्यांबरोबर तुलना करता येईल। गॉड हैज गिवन अस दिस ईयर विथ अ पर्पस दैट वी ऑल शुड बी ब्लेस्ड। परमेश्वर हमें ये साल इसलिए दिया है कि हम सब आशीष पाए। हे वर्ष प्रभु ने असे का उद्देशाने दिले की आपण सर्वजण आशीर्वाद प्राप्त केले पाहिजे। ही वॉन्ट्स अस टू ग्रो बोथ स्पिरिच्युअली एंड फिजिकली ऑल्सो। वो चाहता है कि हम सब आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी उन्नति पाए। ची इच्छा है कि आत्मन आत्मिक व शारीरिक अर्थाने आशीर्वादित ठरावे। ही वॉन्ट्स अस टू ग्रो इंडिविजुअली एंड एस अ चर्च एस अ ग्रुप। वो चाहता है कि हम व्यक्तिगत तौर से और पूरा कलीसिया के तौर से हम बढ़े। त्याची इच्छा है कि व्यक्तिगत रीतिने त्याच रीतिने संघटित रीतिने एक मंडळी होऊन आपण वाढले पाहिजे। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर द लॉर्ड सेज एनलार्ज द प्लेस ऑफ थाय टेंट। यहां पर पहला विषय जो बोला गया वो ये है कि तेरे तंबू का स्थान को बड़ा कर या चौड़ा कर। त्यामुळे सर्वप्रथम प्रभु येथे म्हणतो डेऱ्यांची जागा वाढी। ही वॉन्ट्स अस टू इन्क्रीज इन अबाउंड इन दैट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ टेंट। और वो तंबू का उस अनुभव को बढ़ाने के बारे में बोला है। डेऱ्याचा तो अनुभव तो अपने जीवना मध्ये वाढू इच्छितो। देर आर वेरियस इंटरप्रिटेशन्स फॉर दैट टर्म टेंट। वो तंबू उस लफज के लिए कई प्रकार का अर्थ है। डेरा या शब्दाला विविध अर्थ लावता येईल। बट आई वुड शेयर विथ यू वन आर टू एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एक दो उसका अनुवाद या अर्थ बताऊंगा। परंतु त्याचे एक दोन अर्थ तुमच्या बरोबर मी सांगू इच्छितो। दिस एक्सप्लेनेशन स्पीक्स अबाउट सम स्पिरिच्युअल एक्सपीरियन्सेस। ये कुछ आत्मिक बातों के बारे में एक अर्थ दिया जाता है। यांना काही आत्मिक अर्थ देण्यात येते। व्हाट डज टेंट शो इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में तंबू किसको दिखाता है। हे तंबू अपने जीवनात कशाला दर्शवते। टेंट शोज दैट वी आर पिलग्रिम्स एंड स्ट्रेंजर्स ऑन दिस अर्थ। ये तंबू इस बात को दर्शाता है कि हम इस दुनिया में परदेशी और मुसाफिर है। हे तंबू दर्शवते कि अपन या भूतलावर पर एक परखे व यात्री का हो। एज वी रीड इन फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 11। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 11 वचन में जैसे पढ़ते हैं। पहले पेत्र दूसरा अध्याय प्रवचनात वास्तव त्या प्रमाणे। देयर द वर्ड ऑफ गॉड सेज Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बाळांनो व सामर्थ्याने अधिक मोठे झालेले तुम्ही होऊन तुम्ही जे संसार नैसर्गिक नियमानुसार पकडले आहात त्या नाशापासून त्याच्या विरोधात तुम्ही प्रयत्न करा। As friends, strangers and pilgrims, we have to reveal to the world that we don't belong to this earth. Hum pardeshi aur yatri hokar hum is duniya ko dikhana chahiye ki hum is duniya ke nahi hain. Apan pardeshi aur yatri ka sthan apan he dakhun dile pahijen jagala ki apan tyache nahi. We have to show through our life that we belong to another world, an eternal world. Hamare jeevan ke dwara ye baat ko hum dikhana chahiye ki hum is duniya ke nahi hain, lekin hum ek nitya rajya ke hain, nitya duniya ke hain. Apan jeevanamadhun dakhavle pahijen ki apan जगह से नहीं अपने का नित्य राज्यासाठी से हो। एंड फॉर दैट पर्पस हियर द वर्ड ऑफ गॉड सेज वी हैव टू एब्सटेन फ्रॉम फ्लेशली लस्ट और वॉर अगेंस्ट द सोल। और उसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर वचन कहता है कि हम उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो हमारे आत्मा से युद्ध करती है उससे हम दूर रहे। ऐहिक अभिलाषा जे अपने शरीरा बरोबर युद्ध करता त्या बरोबर अपन युद्ध के लिए पाहिजे असे त्यामुळे देवाचे वचन म्हणते। वी शुड नॉट बी जस्ट पेसिफाइंग आवर फ्लेश आवर बॉडी। या हमारे शरीर को या हमारी अभिलाषाओं को हम तृप्त नहीं करना चाहिए। फक्त नेहमी अपने शारीरिक अभिलाषा ऐहिक वासना न तृप्त करत राहणे। व्हाट्स द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के लोगों का कहना क्या है। जगातील लोकांचे काय म्हणणे आहे। लेट अस ईट एंड ड्रिंक फॉर टुमॉरो वी डाई। आओ हम खाए पिए कल हम तो मरने वाले। आज खाऊया पिऊया कारण उद्या आपण मरणार आहात। बट दॅट शुड नॉट बी आवर स्टेटमेंट। लेकिन हमारी हालात ऐसा नहीं होना। परंतु अपने शब्द असे असू नये। आवर स्टेटमेंट इज गॉड हैज given a
us a short time to live on this earth so that we may prepare ourselves for that eternal world. हम ये कहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए एक नित्य राज्य दिया है, उसके लिए हम तैयार होना चाहिए. अपन अपने शब्द असले पाहिजे की प्रभु ने मला एक अल्पकाळ दिले आहे ते त्याच्या नित्य राज्यासाठी तयार होण्यासाठी आहे म्हणून तसे मी करणार. Here the word of God says that this desire wars has a battle against our soul. यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि ये अभिलाषाएं हमारे प्राण के खिलाफ लड़ते रहती है. आणि देवाचे वचन म्हणते की हे वासना आपल्या हृदयाबरोबर आपल्या प्राणाबरोबर ते युद्ध करीत असतात. As we all know, soul is the seat of our character. जैसे हम जानते हमारा सोल या प्राण जो है वो स्वभाव का बैठने का स्थान है, वहां स्वभाव पाया जाता है. आणि प्राण हा तो ठिकाण आहे जेथे आपले स्वभाव वास करीत असतात. सो वेन वी अलाउ दिस फ्लेशली लस्ट टू ओव्हर रूल अस ऑर टू वर्क इन अस, इट विल स्टॉप दैट ग्रोथ इन आवर कैरेक्टर. सो जब हमारे जीवन में ये शारीरिक अभिलाषाएं हमारे प्राण में रहकर हमारे पर राज्य करेगा तो हमारा आत्मिक स्वभाव के बढ़ती में वो रोक दे देगा. ऐहिक वासनांना आपल्या हृदयामध्ये जागा दिल्यास आपल्या स्वभावामध्ये आपल्याला वाढण्यामध्ये ते स्वभावाची वाढ ते खुंटविते. गॉड इज डे बाय डे बिल्डिंग अप आवर कैरेक्टर, आवर डिवाइन कैरेक्टर. परमेश्वर रोजाना हमारा आत्मिक स्वभाव को या ईश्वरीय स्वभाव को बढ़ा रहा है. प्रत्येक दिवशी प्रभु अपने ईश्वरीय दैवी स्वभाव वाढवित असतो. बट दिस फ्लेशली लस्ट वॉर्स अगेंस्ट दैट कैरेक्टर. लेकिन ये शारीरिक अभिलाषाएं वो आत्मिक स्वभाव के खिलाफ लड़ता रहता है. परंतु हे ऐहिक स्वभाव त्या दैवी स्वभावांच्या विरोधामध्ये युद्ध करीत असतात. आई ट्राइज टू पुट अ स्टॉप टू द ग्रोथ इन आवर कैरेक्टर. और ये शारीरिक अभिलाषाएं हमारे अंदर जो स्वभाव है वो बनने से वो बिल्कुल रोक देता है. आणि ते आपल्या दैविक स्वभाव मध्ये स्वभावांची वाढ खुंटवीत असतात. दैट्स व्हाई हियर पीटर सेज वी शुड समहाउ डिटेक्ट दोज थिंग्स दैट आर वॉरिंग अगेंस्ट आवर सोल एंड ट्राई टू एब्सटेन फ्रॉम देम. इसलिए पत्रस कहता है कि ऐसी ऐसी शारीरिक अभिलाषाओं को हम जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और उससे हम दूर हो जाना चाहिए. त्यामुळे प्रेत्र म्हणतो की अशा स्वभावांना आपण ओळखून घेतले पाहिजे, अशा वासनांपासून आपण लांब झाले पाहिजे. दो ऑन वन साइड वी आर कॉल्ड स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स ऑन दिस अर्थ. हम इस पृथ्वी में एक तौर से परदेशी और यात्री कहे जाते हैं. जगामध्ये एके ठिकाण एका रीतीने जरी आपण यात्रिक व परदेशी आहात, बट स्पिरिच्युअली सेंट पॉल सेज वी आर नो मोर स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स. लेकिन आत्मिक तौर से पौलुस कहता है कि हम आप परदेशी मुसाफिर नहीं है. परंतु आत्मिक अर्थाने संत पॉल म्हणतो की आपण परके व यात्रिक नव्हे. इन एफिशियंस 2:19 ही सेज वी आर नो मोर स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स बट वी आर ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ गॉड एंड फेलो सिटीजन्स विद द सेंट्स ऑफ गॉड. एफिसी पत्री दूसरा अध्याय 2:19 पौलुस कहता है आगे से हम परदेशी और यात्री नहीं है लेकिन परमेश्वर के घर के और उसके राज्य के हम उसके अंग हैं. सो हाउ कैन वी ओवरकम दिस फ्लेशली लस्ट. हमें शारीरिक अभिलाषा पर कैसे जय पा सकते हैं? आई एक वासनावर कसे जय मिळेल? बाय कंटिन्यूइंग इन दैट फेलोशिप. उस संगति में बराबर रहते हुए या संगति मध्ये नेहमी राहल्यास. फेलोशिप विद द चर्च ऑफ गॉड. कलिसिया के साथ संगति रखते हुए. देवाच्या मंडळी बरोबर असलेली संगति. फेलोशिप विद द सेंट्स ऑफ गॉड. संतों के साथ संगति रखते हुए. देवाच्या संतांबरोबर असलेली संगति राखून. फेलोशिप थ्रू द ट्रूथ ऑफ द अपोस्टल्स. प्रेरितों के सच्चाई के संगति में रहते हुए. सत्याच्या संगतीमध्ये राहून. दॅट वर्स ऑल्सो सेज दॅट वी आर बिल्ट अपॉन द फाउंडेशन द अपोस्टल्स अँड प्रॉफिट्स अँड जीसस क्राइस्ट बीइंग द चीफ कॉर्नर स्टोन. और वचन आगे भी कहता है कि प्रेरित भविष्यवक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्र येशु मसीह है उसके ऊपर हम बनाए गए हैं. देवाचे वचन असे म्हणते की प्रेषित संदेश यांच्या पायावर रचलेले ज्याचा कोनशिला हा येशू ख्रिस्त स्वतः आहे. यस डियर पीपल ऑफ गॉड, लेट अस टेक केअर दॅट दिस we grow in our character and not to allow this fleshly lust to dominate us. इसलिए परमेश्वर के लोगों हमारे आत्मिक स्वभाव में हम बढ़ते जाए और ये ध्यान दें कि कोई शारीरिक अभिलाषा या स्वभाव हमें हमारे ऊपर काबू नहीं होना चाहिए. लोकांनो या वर्षामध्ये आपण या दैवी स्वभावामध्ये वाढूया व त्या ऐहिक वासनांना आपल्यावर प्रबळ होण्यास भाग पाडू नये. लेट अस कंटिन्यू इन द फेलोशिप ऑफ द सेंट्स ऑफ गॉड. संतों के संगति में बराबर बने रहे. संतांच्या संगतीमध्ये आपण निरंतर
कर रहा हुआ लेट अस कंटिन्यू इन द ट्रुथ्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरितों के सच्चाई में हम बराबर बने रहे प्रेषितांच्या सत्यामध्ये अपन स्थिर राहूया देन श्योरली गॉड विल परफेक्ट द गुड वर्क ऑफ बिल्डिंग अप अवर कैरेक्टर ऐसा होने से परमेश्वर हमारे अंदर जो स्वभाव का रूपांतर है उस काम को वो पूरा करे तसे सेल तर खात्री ने देव आपल्या मधील ते दैवी स्वभावाची वाट परिपूर्ण करून देईल अनदर एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ टेंट एक तंबू का और एक अनुभव डेरा असण्याचा अजून एक दुसरा भाग वी नो द वर्ड टेंट सिग्निफाइज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर टू लिव इन ये तंबू जो है एक स्थायी नहीं है ऐसा एक रहने के निवास स्थान को दिखाता है आणि तंबू याचा अर्थ नेहमी न राहता येणारे फक्त काही काळाकरिता अल्प काळाकरिता असलेले एक निवास स्थानाला दर्शवते दिस शोज दॅट नथिंग इज परमनंट इन दिस वर्ल्ड ये इस बात को दिखाता है कुछ भी इस दुनिया में स्थायी नहीं है ते दर्शवते की या जगामध्ये निरंतर असे काही नाही जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 14 व्हाट डज जेम्स से याकूब की पत्री चौथा अध्याय उसके 14 वचन में याकूब क्या कहता है याकूबाचे पत्र चौथा अध्याय 14 वचनात तो काय म्हणतो लाइफ इज लाइक अ वेपर और जीवन हमारी जिंदगी जो है वो केवल एक ऐसे भाप जैसा है अपने जीवन एक वाफे प्रमाणे है यू नो व्हाट हैव हैपन टू अ वेपर इट कम्स इन अ मोमेंट एंड जस्ट फिनिशेस ऑफ ये भाप जो है एकदम से ऐसे जाता है फिर वो गायब हो जाता है क्षणार्धात ते वाफ येईल आणि ती नाहीशी होईल गॉड मे ब्लेसेस विथ मेनी फिजिकल ब्लेसिंग परमेश्वर में बहुत से ये दुनियावी आशीषों से आशीष कर देगा एक अनेक देवन एक शारीरिक आशीर्वाद ने आशीर्वादित करेल बट आवर आईज मस्ट नॉट बी अपॉन द फिजिकल थिंग्स लेकिन हमारी नजरें इस दुनियावी बातों के ऊपर नहीं रहना चाहिए परंतु यह जगी गोष्टी पर अपने दृष्टि सुने इवन फॉर वन रीजन और अदर इफ द लॉर्ड टेक्स अवे समथिंग वी मस्ट नॉट फील ग्रीव्ड अबाउट इट किसी कारणवश परमेश्वर कोई भी ऐसी बातें हमसे यदि ले लेता है तो उसके ऊपर हमें दुखित नहीं होना चाहिए कारणास्तव प्रभु आपल्याकडून काही गोष्टी काढून घेत असेल तर त्यामुळे आपण दुखी होऊ नये लुक एट जॉब गॉड ब्लेस्ड हिम विद ऑल द ब्लेसिंग्स अय्यूब को देखिए उसे सारे आशीष परमेश्वर ने दिया अय्यूब आकडे पहा देवाने सर्व आशीर्वादाने त्याला आशीर्वादित केले बट फॉर सम रीजन गॉड टुक अवे ऑल दॅट लेकिन कुछ कारण के वजह से परमेश्वर उन सारे आशीषों को ले लिया परंतु काही कारणाने प्रभु ने ते आशीर्वाद काढून गॉड वॉज द स्टेटमेंट ऑफ जॉब तब अय्यूब ने क्या बोला त्यावेळेस अय्यूबाचे काय उत्तर होते द लॉर्ड गेव द लॉर्ड टुक परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने ले लिया उसका नाम की महिमा होवे प्रभु ने दिले प्रभु ने घेतले त्याचे नाम गौरवी असो दॅट शोज दॅट ही डिड नॉट पुट हिज ट्रस्ट ऑर आईज अपॉन दीज टेम्परल थिंग्स इसका मतलब उसका नजर जो है इस दुनिया के स्थायी बातों को पर नहीं था त्याचा अर्थ की त्याची दृष्टी या जगातील स्थिर गोष्टींवर नव्हते बट टुडे वी नो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड देयर आईज आर ऑलवेज ऑन द टेम्परल थिंग्स सो हम देखते हैं आज दुनिया के लोगों का नजर जो है दुनिया के नाशमान स्थायी चीजों के ऊपर है परंतु आज जगीक लोक पाहतो जगीक गोष्टी वर जगा मध्ये स्थिर असलेले नाहीसे होणाऱ्या गोष्टी वर त्यांची दृष्टी आहे एंड दे वुड डू एनीथिंग टू गेन समथिंग इन दिस वर्ल्ड और वो लोग इस दुनिया में उसे पाने के लिए कुछ भी कर डालते हैं जगा मध्ये काही प्राप्त होण्यासाठी ते काहीही करण्यास तयार आहे दे डोंट रियलाइज ऑल दीज आर लाइक वेपर ये नहीं समझते कि ये सब भाप के समान है त्यांच्या लक्षात येत नाही की हे सर्व वाफे प्रमाणे आहे आय रिमेंबर अ पर्टिक्युलर इन incident which a saint of God told me ek sant ne mujhse bataya tha aise ghatna ke bare mujhe yaad aaya acha ek sant ne sangitleli ek ghatna mala lakshat yete he says one person was driving a car and he came to the petrol station the और gas station ek vyakti petrol station mein apna gaadi lekar pahuncha ek vyakti car chalvit petrol pump par aali and there was one believer boy working there aur wahan petrol pump mein ek vishwasi kaam karta tha vishwasnara mulga te the kaam karit hota the attendant there was pumping petrol into the car aur wo wahan par petrol dalne wala gaadi mein petrol dal raha tha ani tethil karmachari tya car madhe petrol takit hota an accident he placed his hands on that car achanak se usne us car ke upar hath rakha ani nakal tene tyacha car var hath thevle and a stain in the hands got stuck to the car aur car mein us vyakti ka hath lag gaya ya nishani aa gayi tyacha hatache daag tya car var aale that owner of the car got very angry and annoyed aur gaadi ka malik bahut zyada gussa ho gaya pareshan ho gaya to car ka jo malik hota to far raag to raagavla one of the posh car and the high end posh car aur us samay mein wo bahut
बड़ा एक कीमती गाड़ी था, एक महागड़ी थी, कार होती, एंड सो ही वाज ट्राइंग टू कीप इट सो क्लीन। और उस गाड़ी को बहुत साफ सुंदर रखना चाहता था, होती कार फार उत्तम स्वच्छ ठे हुई छत होता। सो व्हेन दिस बॉय पुट हिज हैंड्स देयर एंड द स्टेन्स गॉट स्टक देयर, ही वाज वेरी अपसेट। और जब ये अटेंडेंट जो पेट्रोल डालने वाला है गाड़ी पे हाथ लगाया और हाथों की गंदगी उसमें जब लग गया, त्यामुळे या कर्मचाऱ्याने ज्यावेळेस त्यावर हाथ कारवर हाथ ठेवून त्या कारवर त्या हाताचे डाग आले। एनीवे दैट बॉय गॉट समथिंग टू वाइप एंड क्लीन इट बैक एंड मेक इट आई मीन द क्लीन। उस लड़के ने कुछ कपड़े से उसे साफ किया, उसे ठीक किया, कसे करून त्या मुलाने नंतर ती कार स्वच्छ करून त्या कापडाने पुसून स्वच्छ करून दिली। एंड आफ्टर पंपिंग पेट्रोल द कार मूव्ड ऑन। और पेट्रोल डालने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला गया। पेट्रोल टाकल्यानंतर ती कार तेथून निघून गेली। एंड द कार वुड हैव गॉन अबाउट 100 मीटर्स ऑर सो। आगे वो गाड़ी 100 मीटर जब चला गया, 100 मीटर पुढे ती कार गेली असेल, दिस अटेंडेंट दिस बॉय हर्ड अ बिग एक्सप्लोशन। बिग एक्सप्लोशन, और एक बहुत बड़ा एक विस्फोट की आवाज सुनाई दिया। हा कर्मचारी या कर्मचारी ने एक मोटा स्फोट ऐकला। व्हेन ही टर्न टू सी ही सॉ द होल कार इन फ्लेम्स। और उसने मुड़ के देखा तो वो गाड़ी जो है वो आग अग्नि ज्वाला में वो जल गया। मागे वळून पाहिले तर ती आग जी ती कार जी आहे ती आगे मध्ये होती। यस, द साइट ऑफ गॉड वॉज टेलिंग एस आवर लाइफ इज लाइक दैट। वो संत बता रहा था कि हमारा जीवन ऐसा ही है। तो संत सांगत होता कि अपने जीवन ही तसेच आहे। थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर लाइक दैट। ये दुनिया की चीजें एकदम गंदा पुराना कपड़ा जैसा है। आणि या जगातील गोष्टी एका चिंधी प्रमाणे आहे। वी कॅनॉट पुट अवर ट्रस्ट अपॉन द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनियावी बातों के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रख सकते। जगी गोष्टीवर आपला भाव आपण ठेवू शकत नाही। वी शुड हैव फिक्स अवर आईज अवर विजन अपॉन द इटर्नल हैबिटेशन। हमारा नजर या हमारा दर्शन नित्य निवास स्थान के ऊपर रहना चाहिए। नित्य निवास स्थानावर आपली नजर आपली दृष्टी हवी। व्हाट डू वी रीड अबाउट द ओल्ड टेस्टमेंट सेंट इब्राहिम। पुराण नियम के संत इब्राहिम के बारे में हम क्या देखते हैं। जुन्या करारातील संत अब्राहम या विषय काय वाचतो। गॉड ब्लेस्ड हिम अबंडंटली। परमेश्वर से भरपूरी से आशीष दिया। देवाने त्याला वैपुल्याने आशीर्वादित केले। ही हैड अबंडंस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड कैटल एंड सो ऑन। भरपूरी का सोना चांदी भेड़ बकरी सब उनके पास था। सोने रूपे त्याचप्रमाणे शेरे मेंढ्यांचे वैपुल्य त्याकडे होते। बट ही डिड नॉट पुट हिज आईज अपॉन देम। लेकिन वो अपना नजर उसके ऊपर नहीं रखा। परंतु त्यावर त्याची दृष्टी नव्हती। ही डिड नॉट पुट हिज ट्रस्ट अपॉन देम। उसका भरोसा उनके ऊपर नहीं रखा। भरोसा त्यावर नव्हता। इन हिब्रूज 11 चैप्टर वर्स 10 वी रीड फॉर ही लुक्ड फॉर अ सिटी विच हैज फाउंडेशंस हुज बिल्डर एंड मेकर इज गॉड। इब्रानी 11 का 10 में ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्री 11:10 वचनात वाहतो की त्याने कारण त्याने पाया असलेले व देवाने योजलेले बांधलेल्या नगराची वाट पाहत होता। यू आर लुकिंग फॉर एन इटर्नल सिटी। वो एक नित्य राज्य के लिए वो इंतजार कर रहा था, शहर की इंतजार कर रहा, नित्य नगर अच्छी तो वाट पाहत होता। यस डियर पीपल ऑफ गॉड, गॉड इज प्रिपेयरिंग एन इटर्नल सिटी फॉर अस। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे लिए नित्य शहर इंतजार बना रहा है। हो प्रिय देवाचा लोकांनो, देव आपल्यासाठी एक नित्य नगर तयार करीत आहे। ऑल दोज हू हैव द विजन ऑफ द इटर्नल सिटी, लेट अस लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड शाउट वन हालेलुया। जिस किसी के पास वो नित्य नगर का दर्शन है, हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोले। नित्य नगर अच्छी जे दर्शन है, हालेलुया म्हणूया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, we have an eternal city. हमारे लिए एक नित्य नगर है, अपल्यासाठी एक नित्य नगर आहे। There no explosion could shake that city. और कोई भी विस्फोट उस नगर को हिला नहीं सकता है। कोणतेही स्फोट त्या नगराला हादरू शकत नाही। No dirt can stain that city. कोई भी गंदगी उस नगर को मलिन नहीं कर सकता है। कोणतेही मलिनता त्या नगराला डागाळू शकत नाही। That city is paved with gold. वो शहर जो है वो सोना है, उसका सड़क सोन्याने माखलेले ते नगर आहे। और द वॉल्स All built with precious stones. और सारे वहां के दीवार बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ है। त्याच्या भिंती मूल्यवान दगडांनी बनविलेले आहेत। The beauty of that city cannot be expressed in words. वो शहर का सुंदरता हमारे लफ्जों से नहीं बोला जा सकता है। त्या नगराची सुंदरता शब्दांनी वर्णन करता येत नाही। Praise be to God. प्रभु का नाम का महिमा होवे। देवाच्या नावाला धन्यवाद असो। Another meaning for that word tent. उस तंबू का अगला अर्थ
त्या तंबूसाठी असलेला अजून एक अर्थ इट स्पीक्स अबाउट अवर फेथ लाइफ हमारे विश्वास जीवन को वो दिखाता है आपल्या विश्वास जीवनाला दर्शवते इन ऑर्डर टू अटेन अवर इटर्नल हैबिटेशन हमारे नित्य निवास स्थान को हासिल करने के लिए नित्य निवास स्थान प्राप्त करण्याकरिता वी नीड अ फेथ लाइफ एंड वी नीड फेथ हम एक विश्वास जीवन चाहिए हम एक विश्वास चाहिए आपल्याला विश्वास जीवन हवे आणि विश्वास हवा येस वी हैव टू लिव अ टेंट लाइफ हमें तो तंबू का जीवन बिताना है तंबू मधील जीवन हवे ऑलवेज ट्रस्टिंग गॉड सदा प्रभु पे भरोसा रखना नेहमी प्रभु वर भाव ठेवणे वी रीड अबाउट द थेसलोनियन चर्च थेसलोनी कलिसिया के बारे में थेसलोनी मंडळी विषयी वाचतो रीड सेकंड थेसलोनियन फर्स्ट चैप्टर वर्स 3 दुसरा थेसलोनी दुसरा अध्याय उसका तीसरा वचन दूसरे थेसलोनी पहिला अध्याय तीसरे वचन बंधूंनो आम्ही सर्वदा तुम्हाविषयी देवाची उपकार स्तुती केली पाहिजे आणि हे योग्यच आहे कारण तुमचा विश्वास अतिशय वाढत आहे आणि तुम्हा सर्वांमधील प्रत्येकाची एकमेकांवरील प्रीती विपुल होत आहे हे भाइयो तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है वी आर बाउंड टू थैंक गॉड ऑलवेज फॉर यू brethren as it is meet because that your faith groweth exceedingly and the charity of every one of you all toward each other aboundeth So here we see how the faith of these Thessalonians and the love of these Thessalonians were growing exceedingly. So ये दूसरा तस्लोनी पहला अध्याय के तीसरा वचन में ये तस्लोनी कलीसिया का विश्वास और प्रेम ज्यादा ज्यादा बढ़ता जा रहा था ये थे पहातो की थेसलनी मंडळीचा विश्वास आणि प्रीती कशा रीतीने वाढत होते Yes, our faith must be growing. हमारा विश्वास बढ़ता रहना चाहिए आपला विश्वास हा वाढत असला पाहिजे Perhaps in the last year we may have grown to a certain extent. हो सकता है पिछले साल हम हमारे आत्मिक जीवन में कुछ हद तक बढ़ गया होगा कदाचित मागील वर्षामध्ये एका स्थितीपर्यंत वाढलेली असेल आवर फेथ मे हैव ग्रोन एंड अबाउंडेड हमारा विश्वास बढ़ गया होगा आणि आपले विश्वास वाढले असेल अतिशय वाढले असेल बट दिस इयर गॉड वॉन्ट्स अस टू ग्रो इवन मोर देन दॅट लेकिन इस साल प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास और भी ज्यादा बढ़े परंतु या वर्षामध्ये प्रभूची इच्छा आहे की आपला विश्वास त्याहून अधिक वाढावा एज सेंट पॉल सेज द जस्ट शल लिव बाय फेथ इसलिए पॉलुस कि धर्मी जन विश्वास से जीवन बिताएगा जैसे संत पाउल म्हणतो नीतिमान विश्वासाने जगेन वी ऑल नो दैट वर्स हम उस सब वचन को जानते हैं सर्वांना तो वचन ठाऊक आहे आई विल आस्क सम ऑफ दिस यंग ब्रदर्स वी ऑल नो द वर्स क्या ये जवान भाई लोग वो वचन जानते हैं या तरुणांना मी इथे बसलेल्यांना विचारतो तुम्हाला तो वचन ठाऊक आहे का जस्ट बाय फेथ धर्मी जन विश्वास से जीवन बिताएगा कहां लिखा है नीतिमान विश्वासाने जगेन Young people, कोई जवान भाई कोई तरुण बंधु Of course, all people know the words. I am asking the young people. बुजुर्ग लोग तो जानते हैं मैं जवानों से सवाल किया हूँ वृद्ध है त्यांना तर जरूर ठाऊक आहे मी तरुणांना विचारतो What about the sisters? बहिणींच्या बाजूने बहन लोग बताइए Nobody knows the verse. क्या कोई ये वचन Romans 1:17 says, just shall live by faith. रोमी 1:17 में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवन बिताए रोम का राष्ट्रपति पहला अध्याय 17 वचन लिखा है नीतिमान विश्वासाने जगे And here we see how when we increase in faith, God's righteousness is revealed to us. और वहां हम देखते हैं जैसे हम विश्वास में बढ़ता जाएगा प्रभु का धार्मिकता हमारे पर आता जाएगा ये थे अपन वास्तव की जैसे अपन विश्वासामध्ये वाढतो देवाची नीतिमत्ता आपल्याला प्रगट होत राहील सो As we grow in faith, God's righteousness is revealed to us. जैसे हम विश्वास में बढ़ता जाएगा परमेश्वर का धार्मिकता हमारे पर प्रकट किया जाएगा ख्रिस्ता मध्ये वाढताना प्रभूची नीतिमत्ता आपल्याला प्रकट होत राहे Now I will replace that word righteousness with some other term so that you could understand. अब उस धार्मिकता का लफ्ज को मैं बदल दूंगा वहां पर कुछ और बात बोलूंगा जिससे आप समझ सकते हैं नीतिमत्ता हा शब्द मी थोड़े बदलून सांगतो म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येईल सो righteousness could also means worthiness और धार्मिकता को योग्यता ऐसा भी कह सकते हैं नीतिमत्ता याला योग्यता असे ही म्हणता येईल सो द मोर वी ग्रो इन फेथ गॉड रिवील्स टू अस व्हाट इज द वर्दीनेस वी नीड टू एंटर इन टू न्यू जेरूसलम और जायन जितना विश्वास में बढ़ते बढ़ते जाएंगे उतना परमेश्वर हमें नए यरूशलेम और सियोन में जाने की योग्यता का दर्जा हमें बताता रहेगा जितके आपण अधिक विश्वासामध्ये वाढू तितके अधिक प्रभु आपल्याला सियोन यरूशलेम में जाण्यासाठी
जी योग्यता लागते त्याविषयी प्रगट करीत राहील. वी कॅन ऑल्सो पुट इट इन अदर वे, और हम दुसरे भाषा में भी बोल सकते, दुसऱ्या अर्थाने असे सांगता येईल. राइटियसनेस मीन्स द वर्दीनेस विच मेक्स अस एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड. और धार्मिकता का अर्थ है वो योग्यता जिसके द्वारा हम परमेश्वर की हजूरी में ग्रहणी योग्य बन जाते हैं. नीतिमत्ता म्हणजे ती योग्यता ज्यामुळे आपण प्रभू समोर स्वीकार योग्य ठरतो. टू नो दॅट वर्दीनेस वी हॅव टू ग्रो इन फेथ. और उस योग्यता को जानने के लिए हम विश्वास में बढ़ना चाहिए. या योग्यतेला जाणण्यासाठी विश्वासामध्ये वाढले पाहिजे. व्हेन वी डोंट ग्रो इन फेथ वी विल जस्ट बी लाइक सम मशीन्स, यू नो, यू ऑन इट विल रन, यू ऑफ इट विल स्टॉप. हम विश्वास में नहीं बढ़ने से हम कोई मशीन के जैसे रहेगा, उसे चालू करेगा तो चालू हो जाएगा, बंद करने से बंद हो जाएगा. विश्वासामध्ये वाढले नाही तर आपण एका यंत्राप्रमाणे राहू, जे सुरू केले तर सुरू होईल आणि बंद केले तर बंद राहील. सो वन्स वन पर्सन केम एंड आस्क्ड मी, पास्टर कैन आई डू दिस थिंग्स. एक बार एक व्यक्ति आकर मुझसे पूछा, पास्टर जी मैं क्या ये कर सकता हूँ. एक व्यक्ति ने मला विचारले, पास्टर मी या गोष्टी न करू का. आई आस्क्ड हिम व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड से. मैंने उनसे पूछा क्या परमेश्वर का वचन कैसा कहता है. मी म्हटलो परमेश्वर से वचन काय म्हणते. वर्ड ऑफ गॉड सेज कैन नॉट. परमेश्वर का वचन मना कर रहा है. देवाचे वचन म्हणते करू शकत नाही. देन व्हाई आर यू आस्किंग मी. फिर तू मुझसे क्यों पूछता है. मग तू मला का विचारतो. दे डोंट वॉन्ट टू पुट देअर ट्रस्ट ऑन दॅट वर्ड अँड ओबे दॅट वर्ड. उस वचन पर भरोसा रखते हुए उस वचन का आज्ञा नहीं मानना चाहते. देवाचे वचन वचन और भाव ठेवून देवाचे वचनाचे पालन करण्यास इच्छुक नाही. ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ वे आउट टू डिसओबे द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर का वचन का आज्ञा ना मानने के लिए, आज्ञा तोड़ने के लिए वो और कोई तरीका ढूंढना चाहता है. देवाच्या वचनाचे अवज्ञा करण्यासाठी एक मार्ग शोधण्यास इच्छुक होता. सो ही वॉन्ट्स मी टू से येस यू कॅन डू सो दॅट यू कुड डिसओबे द वर्ड ऑफ गॉड. वो चाहता था की मैं उसको हा ऐसे कह दू और आगे वो परमेश्वर का व्यवस्था को तोड़ दे. आणि त्याची इच्छा होती की मी त्याला हो असे उत्तर द्यावे आणि त्याने देवाच्या वचनाचे अवज्ञा करावी. इन अदर वर्ड्स आय कॅन से इज ट्राइंग टू पुट दॅट रेस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन मी. या दुसऱ्या भाषा मे वो चाहता था की वो जिम्मेवारी को मेरे ऊपर डाल दे. दुसऱ्या अर्थाने असे सांगता येईल की तो ती जबाबदारी मजवर टाकू इच्छित होता. डियर पीपल ऑफ गॉड, सर्वंट्स ऑफ गॉड हॅव गॉट सर्टन रेस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सेवकों का कुछ ऐसे जिम्मेदारी है. परंतु प्रिय देवाच्या लोकांनो, सेवकांना त्यांच्या काही जबाबदाऱ्या आहेत. बट बियॉन्ड दॅट यू हॅव टू ट्रस्ट द वर्ड अँड डू अकॉर्डिंगली. लेकिन उससे भी बढ़कर आपको परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखना है और उसके अनुसार उसका आज्ञा मानना है. परंतु त्यापेक्षाही अधिक देवाच्या वचनावर तुम्ही भरोसा ठेवून त्याचे आज्ञा पालन केले पाहिजे. सो इफ यू आर नॉट कॉट अप इन द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, यू कॅन नॉट पुट द ब्लेम ऑन दॅट सर्वंट ऑफ गॉड ऑर ऑन दॅट बिलीवर ऑर एनी वन. सो येशु मसीह के आगमन में यदि आप उठा लिए नहीं जाएंगे तो आप उस सेवक पर या कोई विश्वासी पर आप दोष नहीं लगा सकते. त्यामुळे देवाच्या आगमनामध्ये तुम्ही वर उचलले गेला नाही तर तुम्ही त्या सेवकावर किंवा विश्वासनावर त्याचा दोष ठेवू शकत नाही. वी मस्ट ग्रो इन आवर फेथ. हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए. विश्वासामध्ये आपण वाढले पाहिजे. वी मस्ट ग्रो इन आवर फेथ लाइफ. हमारा विश्वास जीवन में बढ़ना चाहिए. विश्वास जीवनामध्ये वाढले पाहिजे. एंड वी नो टू गुड एक्झाम्पल्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट. पुराण नियम में दो अच्छे उदाहरण हम जानते हैं. दुनिया करारामध्ये दोन उत्तम उदाहरण ठाऊक आहे. वन वॉज इब्राहिम. एक तो इब्राहिम था. एक अब्राहम. इन द जेनेसिस 18:1 वी सी हिम, ही वॉज स्टँडिंग इन द टेंट, द डोर ऑफ हिज टेंट. उत्पत्ति 18 अध्याय उसके पहला वचन में हम देखते हैं कि वो तंबू के द्वार पर पाया गया. उत्पत्ति 18 अध्याय पहिल्या वचनात वाचतो तो डेऱ्याच्या दाराशीच उभा होता. ही वॉज लिव्हिंग अ फेथ लाइफ. तो एक विश्वास जीवन बिताया. एक विश्वास जीवन तो व्यतीत करीत होता. बट इफ यू रीड इन द जेनेसिस 19:1 यू रीड अबाउट लॉट सिटिंग एट द गेट ऑफ द सिटी. लेकिन उत्पत्ति 19 अध्याय के पहला वचन में वो लोत को सोदोम शहर के फाटक पर बैठा हुआ देखते. परंतु उत्पत्ति 19 अध्याय पहिल्या वचनात लोट विषयी पाहतो जो नगराच्या फाटकापाशी बसला होता. व्हाट डज दिस शो. वो किस बात को दिखाता है. हे कशाला दर्शवते. इब्राहिम वॉज लिविंग अ फेथ लाइफ. इब्राहिम एक विश्वास जीवन बिता रहा था. अब्राहम एक विश्वास जीवन व्यतीत करीत होता. लॉट हैज लॉस्ट हिज फेथ लाइफ. ही इज ड्वेलिंग लाइक वन ऑफ द पीपल ऑफ सोदोम. लोत विश्वास जीवन खो बैठा था और सोदोम के अन्य लोगों के साथ या वैसा जीवन बिता रहा. परंतु लोट हा विश्वास जीवन गमावून तो अन्य सर्वसाधारण लोकांप्रमाणे जगत होता. बट व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड टेल अस. लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है. परंतु देवाचे वचन आम्हास काय म्हणते. वी डोंट हैव टाइम टू रीड ऑल द वर्स बट दिस वर्स वी विल रीड. सारे वचन पढ़ने के लिए समय तो नहीं है लेकिन ये वचन हम जरूर पढ़ेंगे. सर्व वचन वाचण्यास वेळ नाही परंतु हे वचन वाचूया. Hebrews 6:12 हिब्रानी 6 अध्याय उसका 12 वचन. इब्री 6 अध्याय 12 वचन. म्हणजे तुम्ही अशी होऊ नये तर विश्वासाच्या व धीराच्या योगी जे
So here we see the Old Testament saints, they inherited the promises through faith and patience. So yahan purane unke santon ke bare mein dekhte hain, unhone vishwas aur dhiraj ke dwara pratigyaon ka waris ho gaye. Junya kararatil sant ganan na pahato je dhirane va vishwasane abhivachanan se waris banle. And we are told to follow their example. Aur hum unke udaharan ka anukaran karne ke liye picha karne ke liye bola gaya. Ani aplyala tyancha anukaran karnyasathi bolle ahe bolnyat aale ahe. And one good example is Abraham. Aur ek acha udaharan Ibrahim hai. Aur ek उत्तम उदाहरण म्हणजे अब्राहम. He through faith and patience inherited the promises. वो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस हो गया. विश्वास व धीराने तो अभिवचनांचा वारस बनला. There were so many promises given to Abraham. इब्राहिम को बहुत से वायदा दिए गए. अब्राहम वाला अनेक अभिवचन देण्यात आले. But we can look at two promises. दो वायदों को हम देख सकते हैं. परंतु दोन अभिवचनांकडे पाहता येईल. If you turn to 15th chapter of Genesis. उत्पत्ति 15 अध्याय में हम जाने से उत्पत्ति पुस्तक 15 अध्याय कडे वळताना देयर गॉड प्रॉमिसेस टू गिव हिम एन हेयर और अ सन. वहां परमेश्वर उसको एक वारिस देने के लिए वायदा दिया था, एक बेटा देने के लिए बोला था. प्रभु ने त्याला एक पुत्र देण्यासाठी एक अभिवचन दिले है. एंड इफ यू रीड इन द 7th वर्स, उसका सातवा वचन जब पढ़ते हैं, सातव्या वचनात वाचतो, द लॉर्ड टेल्स हिम आई हैव ब्रॉट यू आउट ऑफ द लैंड ऑफ द खल्दीज सो दैट आई मे गिव यू दिस लैंड ऑफ द एमराइट्स एज एन इनहेरिटेंस. वो वहां कहता है कि मैं तुझे कस्तियों के उर नगर से इसलिए बाहर लाया ताकि इस देश का तुझे मैं अधिकारी बनाए. अमोरियन से देश तुला वारस होऊन देण्यासाठी खासदेयांच्या देशातून मी तुला बाहेर आणले. सो टू प्रॉमिसेस, इम्पॉर्टंट प्रॉमिसेस, दो खास विशेष वायदा, दोन विशेष असे अभिवचन. वन इज a son, a promise of a son. एक तो बेटे का वायदा. सर्वप्रथम एका पुत्राचे अभिवचन. Secondly, a promise of inheritance. दुसरा एक मिरास का बारे में वायदा दिया. त्यानंतर एक देशासाठी एक कला एक अभिवचन. Here, the promise of a son, what does it show? या बेटे का वायदा किस बात को दिखाता है? येथे पुत्राचे अभिवचन कशाला दर्शवते? In our life, it speaks about a victorious life. हमारे जीवन में वो जय जीवन को दिखाता है. अपने जीवनामध्ये एक जय जीवन ते दर्शवते हैं. As we read in 1 John chapter 5, पहला योहन्ना उसके पांचवा अध्याय, पहले योहन पांचवा अध्याय मध्ये वाचतो त्याप्रमाणे. If you read verses 4 and 5, we see how we have to overcome the world. चौथा पांचवा वचन पढ़ने से हम समझ सकते हैं कैसे इस दुनिया के ऊपर हमें जय पाना. चौथे पांचवे वचनामध्ये जगावर कसे जय प्राप्त करायचे याविषयी वाचतो. And it is our faith that overcometh the world. ये हमारा विश्वास है जो संसार के ऊपर जय देता है. अपना विश्वास है जो जगावर जय देतो. And we overcome by believing on the Son, Jesus Christ. और हम पुत्र प्रभु येशु पर विश्वास करने के द्वारा हम जयमंत हो जाते हैं. पुत्र प्रभु येशु ख्रिस्तावरील विश्वासाने आपण विजयी ठरतो. Because Jesus said, I have overcome the world. क्योंकि येशु मसीह ने बोला मैं संसार को जय पा लिया. कारण येशु म्हणाला मी जगावर जय प्राप्त केले. As a son of God, he overcame the world. परमेश्वर का पुत्र होकर संसार को उसने जय पाया. देवाचा पुत्र होऊन त्याने जगावर जय प्राप्त केले. When we put our trust on him, भरोसा उस पर हम रखते हैं. ज्यावेळेस आपला भाव आपण त्यावर ठेवतो, वी कॅन ऑल्सो ओव्हरकम द वर्ल्ड अँड बिकम सन्स ऑफ गॉड. हम संसार के ऊपर भी जय पास, हम प्रभु को भरोसा रखे हम संसार के ऊपर जय पा सकते. आपण ही जगावर जय प्राप्त करून देवाचे पुत्र बनू शकतो. अँड द अदर प्रॉमिस गिवन टू इब्राहिम वॉज इनहेरिटन्स. अगला वायदा इब्राहिम को जो दिया गया वो मिरास के बारे में. अब्राहम आला दिलेले दुसरे अभिवचन म्हणजे वतनाचे. अँड अवर इनहेरिटन्स इज न्यू Jerusalem and Zion. हमारा मिरास सियोन और यरूशलेम है. अपने वतन म्हणजे सियोन व नवीन यरूशलेम आहे. Yes, we need faith to inherit the new Jerusalem and Zion. नए यरूशलेम और सियोन को वारिस होने के लिए हमें विश्वास चाहिए. सियोन व नवीन यरूशलेम वतन होऊन मिळण्यासाठी विश्वास हवा. That's why we read in the Isaiah 28:16, Behold, I lay a stone in Zion. इसलिए यशया 28:16 में हम देखते हैं कि देखो मैं सियोन में एक नेव का पत्थर रखा है. यशया 28:16
वचनात पाहतो पहा मी सियोन तो पाया रचला आहे. इट्स अ ट्राइव स्टोन. वो एक परखा हुआ पत्थर. पा रखलेला एक कोनशिला. इट्स अ कॉर्नर स्टोन. वो कोने का पत्थर. तो एक कोनशिला है. इट्स अ श्योर फाउंडेशन. वो दृढ़ने वाला पत्थर. एक न हल्लारा पाया. ही दैट बिलीवर विल नॉट मेक हेस्ट. जो विश्वास करेगा वो उतावली नहीं करेगा. आणि जो कोणी विश्वास करेल तो घाई करणार नाही. यस व्हेन वी बिलीव वी विल नॉट बी ट्रबल्ड. हाँ जब हम विश्वास करते हैं तब हम घबराएंगे नहीं. ज्यावेळेस आपण विश्वास करू त्यावेळेस आपण विचलित होणार नाही. व्हेन वी बिलीव ऑन दोस स्टोन वी शैल नॉट बी मूव्ड. जब उस पत्थर पर हम भरोसा रखेंगे तो हम हिलाए नहीं जाएंगे. ज्यावेळेस त्या पायावर आपण भरोसा ठेवू त्यावेळेस हलणार नाही. व्हेन वी लुक ऍट दॅट ट्राइल स्टोन वी कॅन ऑल्सो गो फॉरवर्ड बोल्डली इन अवर ट्रायल्स. जब हम परखा हुआ पत्थर पर भरोसा रखेंगे तो हम हिम्मत के साथ हमारी परीक्षाओं में हम आगे जा सकते. रचलेल्या दगडावर आपण भरोसा ठेवल्यास परीक्षांसमोर आपण धैर्याने जाऊ शकतो. येस बाय फेथ वी कॅन गेट अ विक्टोरियस लाईफ अँड वी कॅन गेट अ इनहेरिटन्स. हम विश्वास के द्वारा जय जीवन पा सकते हैं और उस विरास के हम भागीदार हो सकते. विश्वासाने जय जीवन प्राप्त करून त्या नित्यवतनाचे भागीदार बनू शकतो. इन रेव्हलेशन 21:7 ही दॅट ओव्हरकमर शॅल इनहेरिट ऑल थिंग्स. प्रकाशित वाक्य 21 के साथ में हम देखते हैं कि जो जय पाता है सारी बातों का वारिस होगा. प्रगटीकरण 21:7 वाचतो जो विजय मिळवितो तो या सर्व गोष्टींना वारस होऊन प्राप्त करेन. यस वी हॅव टू बिल्ड अप आवर लाईफ सो दॅट वी मे इनहेरिट ऑल थिंग्स. हा हमारा जीवन को ऐसे बढ़ाना है ताकि हम सारी बातों का वारिस बने. आपण आपले जीवन वाढविले पाहिजे यासाठी की त्या सर्व गोष्टींचे आपण वारस बनावे. यस बिल्ड अप आवर फेथ लाईफ सो दॅट वी कॅन गेट द विक्ट्री इन आवर लाईफ. हमारा जीवन विश्वास के ऊपर बढ़ाए ताकि हम जय पाए. आपल्या जीवनात विश्वास वाढवूया यासाठी की आपण विजयी बनवावे. Today we don't have much time. आज हमारे लिए ज्यादा समय नहीं है. आज अपने समोर जास्त वेळ नाही. But I'll give you a little homework. You can go back and look because I have no time to explain. मैं आपको कुछ होमवर्क या गृहकारी दूंगा जो बाद में आकर जाकर आप पढ़िए. आप हमारे पास अभी पूरा समय नहीं है. अधिक वेळ नसल्यामुळे तुम्हाला काही गृहपाठ देतो तुम्ही घरी जाऊन ते वाचा. When God gave Abraham the promise of a son and inheritance. जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बेटे का और वारिस का वायदा दिया था. ज्यावेळेस प्रभूने अब्राहमाला एका पुत्राचे व वतनाचे अभिवचन दिले. अँड इब्राहिम आस्क्ड द लॉर्ड लॉर्ड हाऊ कॅन आय नो दॅट आय विल बी इनहेरिटिंग दीज थिंग्स. इब्राहिम ने सवाल पूछा की या सब बातों का मैं वारिस कैसे होऊंगा मैं कैसे समझ सकता हूं. त्यावेळेस अब्राहमाने विचारले प्रभू मी कसे ओळखू की या सर्व गोष्टींचा मी वारिस बने. इन आयझाया 15:8 ही सेज व्हेअरबाय शॅल आय नो दॅट आय शॅल इनहेरिट इट. Genesis 15:8. उत्पत्ति 15:8 में वो पूछता है मैं कैसे समझ सकता हूं कि मैं वो वारिस बनूंगा. उत्पत्ति 15:8 में तो म्हणतो प्रभु मी कसे ओळखू की या गोष्टींचा मी वारस बने. देन द लॉर्ड टोल्ड हिम टू ऑफर सर्टन सैक्रिफाइस. तब प्रभु ने उसको कुछ बलिदान चढ़ाने के लिए बोला. त्यावेळेस प्रभु ने त्याला काही बलिदान करण्यास सांगितले. एंड द 9th वर्स स्पीक्स अबाउट द वेरियस सैक्रिफाइसेस. और नवा वचन में कई प्रकार के उस बलिदान के बारे में. नव्या वचनात काही बलिदानांविषयी तेथे पाहतो. देयर आर 5 sacrifices he had to offer. 5 प्रकार का बलिदान चढ़ाना था. 5 प्रकार से बलिदान करायचे होते. He had to offer an heifer of 3 years. और 3 साल का एक कलोर चढ़ाना था. 3 वर्षाचे एक कालवड़ अर्पण करायचे होते. He had to offer a ram of 3 years. और 3 साल का एक कलोर चढ़ाना था. 3 वर्षांचा एक एड का. He had to offer a goat of 3 years. और 3 वर्ष का एक मेढ़ा भी चढ़ाना था. 3 वर्षाची एक शेळी. He had to offer turtle doves. और एक पंडकी को भेंट चढ़ाना था. एक होला अर्पण करायचे होते. टू ऑफर अ यंग पिजन. और एक कबूतर का बच्चा भी बलिदान चढ़ाना. और वैसे एक पिल्लू अर्पण करायचे होते. सैक्रिफाइसेस ही टू ऑफर. ये सारे बलिदान वो भेंट चढ़ाना था. या गोष्टी बलिदान होऊन त्याला करावे लागले. मेबी आई विल जस्ट गिव्ह यू इन 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ दिस सैक्रिफाइसेस बट यू गो एंड सर्च मोर बिकॉज इन अनदर स्टडी आई हैव गिवन इन डिटेल. और अब इन सारे बलिदानों का मैं एक एक लफ्ज में अर्थ बताऊंगा क्योंकि पहले मैं इसके बारे में एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाया था. कारण आणि या गोष्टी विषयी से मी थोडक्यात तुम्हाला वर्णन देतो कारण अजून एका बायबल अभ्यासामध्ये याविषयी मी अधिक सांगितले होते. हेफर व्हाट डज इट शो. ये कलोर किस बात को दिखाता. कालवड कशाला दर्शवते. सैंक्टिफिकेशन. पवित्रदाई. शुद्धते शुद्धीकरणाला दर्शवते. सैंक्टिफिकेशन दॅट कम्स थ्रू अ लाइफ ऑफ सेपरेशन. ये बछड़ा का बलिदान वो अलग जीवन के द्वारा आने वाला एक पवित्रदाई को दिखाता. अलिप्त जीवनाने मिळणारे शुद्धीकरण. I
think many of you will know the verse by the time I've given you some clue already. मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, आप उसके वचन अपने आप जान सकते हैं. मैं तुम्हारा दीज एक अर्थ सांगितलं त्यामुळे त्या विषयीचे वचन तुम्हाला शोधता येईल. Secondly, a she goat of 3 years. अब तीन वर्ष का एक बकरी के बारे में. दुसरे आपण पाहतो तीन वर्षाची एक शेळी. She goat speaks about a sacrificial life. ये बकरी जो है वो एक बलिदान का जीवन को दिखाता, त्याग का जीवन को दिखाता है. शेळी जे आहे ते बलिदानी रूपी जीवनाला दर्शवते. दॅट ऑल्सो आय थिंक यू वुड बाय नाउ दॅट वर्स वुड हॅव कम टू युअर माइंड. अब तो उसका वचन भी आपके मन में शायद आ गया होगा. त्या विषयीचे वचन तुमच्या मनात आलेच असेल. थर्डली अ रॅम. और तीसरा जो एक मेढा है. तीसरा एक एडका. रॅम वी कॅन टेक दॅट इज अ रॅम ऑफ कॉन्सिक्रेशन. और ये मेढा वो एक प्रतिष्ठा का मखसूसियत का ऐसा एक मेढा. एडका याला आपण प्रतिष्ठेचा असे म्हणू शकतो. अँड फोर्थली चौथे टर्टल डफ. एक पंडुकी. एक होला. इट स्पीक्स अबाउट टू एक्सपीरियन्स. दो अनुभव को दिखाता है. दोन गोष्टींचे अर्थ लावते. फेथफुलनेस. वफादारी. विश्वासयोग्यता. विश्वासयोग्यता. जजमेंट. और न्याय. न्याय. यू गो एंड फाइंड आउट द वर्स. उसका वचन आप ढूंढ लीजिए. ऐसे वचन तुम्ही शोधा. मे बी द नेक्स्ट टाइम इफ यू कैन फाइंड टेल मी द वर्स आई कैन गिव यू अ प्रेजेंट. अगली बार आप मुलाकात करें तो आप मुझे बता देंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा. पुढच्या भेटीला जर तुम्ही ते वचन सांगाल तर तुम्हाला एक प्रतिफल मिळेल. अँड फिफ्थली यंग पिजन. और पांचवा कबूतर का एक बच्चा. पाचवे म्हणजे पारव्याचे एक पिल्लू. इट स्पीक्स अबाउट टेंडरनेस एंड मीकनेस. वो नम्रता को दिखाता है और सादगी को दिखाता है. ते निर्मलता दीनता दर्शवते. इन ऑर्डर टू कन्फर्म द प्रॉमिसेस गॉड गेव टू एब्राहम ही हैड टू ऑफर ऑल दिस सैक्रिफाइसेस. परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ वायदाओं को पक्का करने के लिए ये सारे बलिदान वो चढ़ाना जरूरी था. प्रभु ने दिलेल्या अभिवचनाची खात्री करण्यासाठी त्याला हे बलिदान अर्पण करावे लागले. विदाउट दीस एक्सपीरियंसेस वी कैनॉट इनहेरिट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. ये सारे अनुभवों के बगैर हम प्रभु के वायदाओं को हम नहीं पा सकते. या अनुभवांविना आपल्याला प्रभूच्या अभिवचनांचे वारस बनता येत नाही. अँड दिस प्रॉमिस दिस सॅक्रिफाइसेस विल स्ट्रेंथन आवर फेथ. और ये बलिदान हमारे विश्वास को बलवंत करेगा. हे बलिदान आपल्या विश्वासाला बलवंत करेन. प्रेज स्वीट गॉड. प्रभू का नाम की महिमा. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. अनदर मीनिंग फॉर द वर्ड टेंट. और तंबू का अगला अर्थ क्या है. आणि तंबू याचा अजून एक अर्थ. इट स्पीक्स अबाउट अवर बॉडी. हमारे शरीर को दिखाता है. आपल्या शरीराला दर्शवते. सेकंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:1 वी रीड दॅट दिस बॉडी विल बी डिसॉल्व्ड बट वी हॅव अ हाऊस नॉट मेड विथ हँड्स प्रिपेअर्ड बाय गॉड. दुसरा कोरिंथी 5 पहिल्या वचन में ऐसे पढते हैं हमारे लिए ये मिट्टी शरीर का डेरा घर गिराया जाएगा और एक स्वर्गीय भवन को हम पहनेंगे. आणि पहिली कोरिंथ 5 पहिल्या वचनात वाचतो की हे आपले जे मातीचे जे तंबू असलेले हे घर जे आहे ते पाडण्यात येईल आणि आपल्याला एक नित्य भवन मिळेल. व्हॉट डज इट शो. किस बात को दिखाता है. ते कशाला दर्शवते. दिस पेरिशेबल बॉडी और दिस मॉर्टल बॉडी मस्ट बी प्रिपेअर्ड सो दॅट वी कुड रिसीव द इटर्नल हॅबिटेशन. ये नाशमान मर्त्य शरीर को उतार कर हम उस नित्य घर को पहनने के लिए हम तयार राहणार आहे. मर्त्य शरीर आपण काढून टाकून एका नित्य भवनाला परिधान करण्यासाठी नेहमी तयार हवे. टू से इन शॉर्ट दिस मॉर्टल बॉडी इज गोइंग टू इनहेरिट द ग्लोरी ऑफ गॉड. और संक्षिप्त बोले से ये मर्त्य शरीर जो है एक महिमामय शरीर को पहनने वाला है. दुसऱ्या अर्थाने म्हणायचे तर मर्त्य शरीर हे देवाच्या गौरवाला वारस बनेल. एस वी रीड इन 1 Corinthians 15:41. पहला कोरिंथी 15:41 में जैसे पढ़ते हैं. पहले करें 15:40 वास्तव त्याप्रमाणे. सो ऑल्सो शैल बी द रिजरेक्शन ऑफ द डेड. ऐसा ही मुर्दों का पुनरुत्थान भी होगा. मेलेल्यांचे पुनरुत्थान ही तसेच असे. दिस करप्टिबल विल पुट ऑन इनकरप्शन. ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा. जे विनाशी आहे त्या विनाशीला परिधान करे. दिस मॉर्टल विल पुट ऑन इमॉर्टॅलिटी. ये मर्त्यता अमर्त्यता को पहन लेगा. मर्त्य अमर्त्यला परिधान करेल. बट देर विल बी डिफरन्सेस इन ग्लोरी. लेकिन महिमा में फरक रहेगा. परंतु त्यांच्या गौरवात काही फरक असेल. दॅट इज वन ग्लोरी ऑफ द सन. एक तो सूरज का महिमा है. सूर्याचे एक वेगळे गौरव. ग्लोरी ऑफ द मून. और एक चांद का महिमा है. चंद्राचे वेगळे गौरव. अनदर ग्लोरी ऑफ द स्टार्स. और तारों का महिमा अलग है. ताऱ्यांचे वेगळेच गौरव. अँड वन स्टार डिफरन्स फ्रॉम अनदर इन ग्लोरी. और महिमा में ये तारों में भी फरक है. आणि
आणि एक तारा दुसऱ्या ताऱ्यापेक्षा गौरवामध्ये विभिन्न आहे. सो शॅल बी द रेझरेक्शन ऑफ द डेड. मरेओं का पुनरुत्थान ऐसा ही होगा. गेलेल्यांचे पुनरुत्थान असेच असेल. यस डियर पीपल ऑफ गॉड, आवर बॉडी इज गोइंग टू पुट ऑन द ग्लोरी ऑफ गॉड. हा परमेश्वर लोगो, हमारे ये शरीर प्रभु का महिमा को पहनने जा रहा है. हो प्रिय देवाच्या लोकांना आपले शरीर हे देवाच्या गौरवाला परिधान करे. सो वी शुड नॉट अलाउ एनी डिफाइलमेंट ऑफ द वर्ल्ड टू कम एंड डिफाइल अवर बॉडी. इसलिए संसार की कोई मलिनता आकर हमारा शरीर को अशुद्ध करने के लिए जगह नहीं देना चाहिए. त्यामुळे जगातील कोणतीही मलिनता ने आपल्या शरीराला मलिन करण्यासाठी आपण अनुमती देऊ नये. लेट अस प्रिझर्व दिस टेंट. हम इस तंबू को संभाले. आपण या डेऱ्याला सांभाळूया. सो दॅट व्हेन द लॉर्ड कम्स वी कॅन पुट ऑन दॅट ग्लोरी इन दिस बॉडी. यानी जब येशू आएगा तो हम हमारे इस शरीर में उस जलाली शरीर को हम पहन सकें. म्हणजे प्रभु येईल त्यावेळेस या शरीरामध्ये आपण त्याचे गौरवाला परिधान करू. गॉड वॉन्ट्स अस टू ग्रो इन दिस एक्सपीरियन्स. प्रभु चाहता है कि इन असार अनुभव में हम बढ़ना चाहिए. प्रभुची इच्छा आहे की अनुभवामध्ये आपण वाढले पाहिजे. इन अवर की वर्स व्हेन वी कम टू द सेकंड पॉइंट. हमारे पहला वचन में हम उस दूसरे विषय में आते हैं. मूळ वचनाच्या दुसऱ्या मुद्द्याकडे वळताना स्ट्रेच फॉर द कर्टन्स ऑफ दाइन हैबिटेशन. तेरे तंबू के जो पट है उसको लंबा करना चाहिए. तुझे जे मंडळ तुझ्या डेऱ्याचे जे कनाती आहे ते लांब कर. हियर वी रीड अबाउट हैबिटेशन. यहां पर एक निवास स्थान के बारे में पढ़ते हैं. येथे का निवास स्थानाविषयी पाहतो. दिस हैबिटेशन शोज दैट वी आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, द हाउस ऑफ गॉड. ये निवास स्थान इस बात को दिखाता है कि हम परमेश्वर का वास स्थान है. ये निवास स्थान दर्शवते कि अपन प्रभु से निवास स्थान हो. एंड एज हाउस ऑफ गॉड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. परमेश्वर का भवन में सबसे खास बात क्या है. प्रभुच्या भवनातील विशेष सर्वात मुख्य गोष्ट कोणती. एंड व्हाट इज द साम इज से अबाउट इट. उसके बारे में भजन संहिता लिखने वाला क्या बोलता है. संगीतकार त्याविषयी काय म्हणतो. एंड साम्स 93 वर्स 5 ही सेज होलीनेस बिकमथ दाइन हाउस ओ गॉड. 93 भजन उसका पांचवे वचन में दाऊद कहता है कि पवित्रता ही तेरे मंदिर का खास बात है. आणि 93 स्तोत्र संहिता पांचव्या वचनामध्ये म्हणतो तुझ्या घराला पावित्र्य सदैव शोभते. येस गॉड वॉन्ट्स अस टू बाउंड इन द होलीनेस ऑफ गॉड. हाँ परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पवित्रता को पहन ले. प्रभुची इच्छा आहे की आपण पवित्रता ने पांघरले गेले पाहिजे. दिस इयर वी आर गोइंग टू ग्रो इन होलीनेस. हाँ इस साल हम उसकी पवित्रता में बढ़ने वाले. या वर्षामध्ये आपण त्याच्या पवित्रतेमध्ये वाढणार आहोत. यू नो व्हेनेवर वी पुट अप अ बिल्डिंग वी मस्ट मेक श्योर द फाउंडेशन इज स्ट्रांग. कभी भी हमारे मकान जब बनाते हैं तो हमें ये पक्का कर लेना चाहिए कि हमारा नेव जो है वो अच्छा है या पक्का है. एक घर बांधताना आपण खात्री केली पाहिजे की पाया हा बळकट आहे किंवा नाही. सो इफ द फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रांग इनफ हाउ एवर ब्युटिफुल द बिल्डिंग मे बी इट्स ऑफ नो यूज बिकॉज इट्स गोइंग टू कलेप्स वन डे. मकान बेशक कितना भी सुंदर क्यों ना हो उसका नेव पक्का नहीं होने से वो एक दिन जरूर घिस जाएगा. वह पाया बळकट नसेल तर घर किती उत्तम सुंदर असेल तरी एक ना एक दिवशी ते ढासळे. सो इन ऑर्डर टू बिल्ड अप अवर होली लाइफ. इसलिए हमारे पवित्र जीवन को बढ़ाने के लिए त्यामुळे आपले पवित्र जीवन वाढविण्यासाठी वी नीड अ प्रॉपर फाउंडेशन. हमें एक सही नेम चाहिए. एक योग्य पाया हवा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम डॉक्ट्रिन्स. मैं कोई उपदेश के बारे में नहीं बोल रहा हूं. उपदेश विषय का ही बोले. टॉकिंग अबाउट सर्टन प्रैक्टिकल थिंग्स वी मस्ट डू. मैं कुछ प्रायोगिक बातों के बारे में बोल रहा हूं जो हम करना चाहिए. जे नेहमी निरंतर आपल्या जीवनातून प्रायोगिक रीतीने करावे ते म्हणतो. इन ऑर्डर टू प्रिझर्व द होलीनेस अँड ग्रो इन द होलीनेस वी मस्ट डू सर्टन थिंग्स. पवित्रताई को संभालने के लिए पवित्रताई में बढ़ने के लिए हम कुछ काम करना है. पवित्रतेमध्ये राखणे जाण्यासाठी पवित्रतेमध्ये वाढण्यासाठी काही गोष्टी करावी. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग नीडेड टू ग्रो इन होलीनेस. पवित्रताई में बढ़ने के लिए पहला काम क्या करना है. पवित्रतेमध्ये वाढण्यासाठी सर्वप्रथम काय करावे. वी मस्ट हॅव अ हेट्रेड टुवर्ड्स सिन अँड इव्हल. पाप और बुराई से हमें एक नफरत होना चाहिए. पाप व वाइट याचा विषय आपल्याला एक द्वेष हवा. इन साम्स 97:10 वी आर टोल्ड टू हेट ईवल. 97 भजन उसका 10वां वचन में लिखा है हम बुराई से नफरत करना चाहिए, घृणा करना चाहिए. 97 स्तोत्र संहिता 10व्या वचनात वाचतो वाईटाचा द्वेष करावा. दोस हू लव द लॉर्ड दे विल हेट ईवल. जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो बुराई से घृणा करेंगे. प्रभु और प्रेम करणारे ते वाईटाचा द्वेष करतील. वी आर रियली लविंग गॉड यू कैनॉट बी हेटिंग आई मीन लविंग सिन. और सचमुच आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो आप पाप से प्यार नहीं कर सकते. प्रभु और प्रीति करणारे असाल तर तुम्ही पापावर प्रीति करणार आहे. सो दॅट्स द फर्स्ट थिंग. वही पहली बात है. तीच पहिली गोष्ट. सेकंडली वी हैव टू रेसिस्ट सिन. दुसरा पाप का हम विरोध करना चाहिए. दुसरे म्हणजे पापाचे विरोध केले पाहिजे. डोंट रेसिस्ट सिन वी कैनॉट प्रिझर्व अवर होलीनेस. हम पाप का विरोध नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे, हमारे पवित्रता को हम नहीं संभाल सकते. पापाचा विरोध केला नाही तर पवित्रता राखता येत नाही.
Now Hebrews 12:4 says that we have to resist unto death. हम इब्रानी 12:4 में हम देखते हैं कि मरने तक हम उस पाप का हम खिलाफत करना चाहिए. इब्रानी 12:4 वास्तव मृत्यु पर्यंत पाप से विरोध के लिए पहिचे. We must strive against sin. हम पाप के खिलाफ लड़ना चाहिए. पाप विरोध हमारे पर लड़ने पहिचे. Praise be to God. प्रभु के नाम की महिमा हो. विवाचन आवलत निवाद. That shows that how much of seriousness we must put into it. वो उस बात में कितना गंभीरता होना चाहिए इस बात को दिखाता है. या मधुन लक्षात येते कि त्या विषय अपन किती गंभीर राख ले पाहिजे. यू आर रिब्यूकिंग द डेविल. यदि आप शैतान को डांटते हैं. शैतानाला जर तुम्ही असे ताड़ना देत असत. यू कैन नॉट से डेविल प्लीज गो अवे. आप शैतान को मेहरबानी करके आप जाइए ऐसे नहीं बोल सकते. शैतानाला असे म्हणता येणार नाही कृपया तू निघून जा. नो यू हैव टू रिब्यूक इट विद ऑल अथॉरिटी एंड गेट आउट फ्रॉम हियर. आपको पूरे अधिकार के साथ उसे डांटना और बोलना है तो यहां से भाग जा. तुम्ही पूर्ण अधिकार वापरून तुम्ही त्याला ओरडून म्हटले पाहिजे तू इथून निघून जा. सो ऑल्सो सिन वी हैव टू रिब्यूक विथ ऑल अथॉरिटी एंड पावर. ऐसा ही पाप को भी सारे अधिकार और सामर्थ्य साथ उसे दूर करना डांटना है. त्यामुळे त्या पापाला सुद्धा संपूर्ण अधिकाराने व सामर्थ्याने दटावले पाहिजे. अनदर प्रिंसिपल वी हैव टू प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू ग्रो इन होलीनेस. पवित्रताई में बढ़ने के लिए और कौन सा नियम का हम प्रयोग में लाना है. पवित्रतेमध्ये वाढण्यासाठी अजून एका तत्वाचा वापर करावा. As we read in 1 Thessalonians 5:22. पहला तस्सलोनी 5:22 जैसे पढ़ते हैं. पहले तस्सलोनी 5:22 वास्तव त्याप्रमाणे. We must abstain from every appearance of evil. बुरा जैसे जो भी लगता है उससे हम दूर हो जाना चाहिए. व्हाइट वाटेल अशा सर्व गोष्टींपासून लांब राहणे. If you see something that is evil, even about 100 meters, 200 meters, you must try to run away from that. 100 meter या 200 meter दूर भी कोई बुरा जैसा कोई चीज लगता है तो उससे देखकर वहां से आप भाग जाना चाहिए. 100-200 meter लांब सुधा जर तुम्हाला व्हाइट वाटेल असे काहीतरी असेल तर तेथून लांब जा. But nowadays what's the common question? लेकिन आज आम सवाल क्या है. परंतु आता नेहमीचा साधारण प्रश्न कोणता. That person is doing, why can't I do it? वो व्यक्ती ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. व्यक्ती ते करत आहे तर मी का करू नये. That church is doing, why can't we also do it? वो कलिसे ऐसा कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकती. मंडळी तसे करते मग आम्ही का करू नये. We have to abstain and run away from every appearance of evil. हम बुरा जैसे जो कुछ भी लग रहा है दिख रहा है उससे हम भाग जाना चाहिए. व्हाइट वाटेल अशा सर्व गोष्टींपासून आपण पळून गेले पाहिजे. देन ओनली वी कैन ग्रो इन होलीनेस. तभी हम पवित्रताई में बढ़ सकते हैं. पवित्रतेमध्ये वाढता येईल. नेक्स्ट वर्ड ऑफ गॉड सेज इवन अवर एक्शंस अवर हार्ट अवर माइंड एवरीथिंग मस्ट बी होली. अगली बात हमारा सोच विचार हमारा क्रिया हमारे बातचीत सब कुछ पवित्र होना चाहिए. त्यानंतर अपनी कृति अपने विचार अपने बोलने सर्व काही पवित्र असावे. इन साम्स 24:3-4 यू कैन रीड फॉर योरसेल्फ. 24 भजन उसका 3 और 4 में ये हम पढ़ सकते हैं. स्तोत्र 24:3-4 याविषयी वाचू शकतो. हु कैन असेंड टू द हिल. कौन उसके पवित्र पहाड़ पर चढ़ सकता है. त्याच्या पवित्र पर्वतावर कोण जाईल. हु कैन स्टैंड बिफोर गॉड. कौन परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता है. परमेश्वर समोर कोण उभे राहील. वन हु हैज अ क्लीन हैंड्स. और जिसका शुद्ध हाथ हो. जैसे हाथ शुद्ध है. वन हु हैज अ क्लीन हार्ट. और जिसका दिल साफ हो शुद्ध हो. हृदय शुद्ध है. यस इवन अवर हार्ट अवर माइंड अवर एक्शंस एवरीथिंग हैव टू बी क्लींस. हमारा हृदय हमारा मन हमारा क्रिया सब शुद्ध होना चाहिए. अपने हाथ अपने मन अपने क्रिया सर्व कहीं शुद्ध सावेत. परहैप्स इन द लास्ट ईयर वी मे हैव बीन अ बिट कैलस. हम आपके पिछले दिनों में शायद हम थोड़ा लापरवाही के साथ जीवन बिताया होगा. कदाचित मागील वर्षामध्ये या बाबतीत आपण फार निष्काळजी असू. बट दिस इयर गॉड वॉन्ट्स अस टू बी मोर केअरफुल. देखिए इस साल हम और भी सावधानी के साथ जीवन बिताना ये प्रभु चाहता है. परंतु प्रभु की इच्छा है कि या दिवसामध्ये आपण अधिक काळजीपूर्वक रहावे. सो दैट वी मे ग्रो इन अवर लाइव्स एंड बी फाउंड रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड. ताकि हमारे जीवन में हम बढ़ते हुए यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए. यासाठी की जीवनामध्ये वाढून प्रभुच्या आगमनासाठी आपण तयार असावे. स्ट्रेच फॉर द कर्टन्स ऑफ अवर हैबिटेशन. हमारे निवास स्थान के पर्दे को हम लंबा करें. निवास स्थानाच्या कनातींना आपण लांब करूया. नेक्स्ट ही सेज लेंथन दाई कॉर्ड्स. अगला रस्सियों को लंबा करने से लिखा है. म्हणतो तुझ्या दोऱ्या लांब कर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉर्ड्स. और रस्सियों का मकसद या उद्देश्य क्या है. दोऱ्याचा उद्देश कोणता. टू कीप द टेंट टुगेदर. तंबू को एक साथ खड़ा करने के लिए. तंबूला एकत्रित ठेवणे. एस वी ऑल नो दिस कॉर्ड्स स्पीक्स अबाउट द लव ऑफ गॉड. और हम सब जानते हैं रस्सी परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है. अपन जानतो या दोऱ्या प्रभुच्या प्रीतीला दर्शवते. इन होशेया 11:4 वी रीड हाउ गॉड सेज आई हैव ड्रॉन देम विथ बैंड्स ऑफ लव एंड कॉर्ड्स ऑफ अ
man. होशिया 11 के 4 में हम पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर का प्रेम के डोरी से हमें खींचकर अपने में बांध रखता है. होशिया 11:4 में अपन वास्तव देते चा प्रीति चा डोरी निकस्य अपलेला ओरांतो. Yes, our cords must be lengthened. हाँ, हमारे रस्सी जो है वो लंबा होना चाहिए. अपने जे दोरिया है ते लाम के लगे ले पाहिजे. We must abound in the love of God. हम प्रभु का प्रेम में बढ़ना चाहिए. प्रभु चा प्रीति में अपन वाड़ ले पाहिजे. Yes, we read just now about the Thessalonian church. हम थिस्सलुनी कलीसिया के बारे में अभी पढ़ा था. थिस्सलुनी मंडली विषय तवास ले. I'll see whether anybody remembers that verse. वो वचन आप लोग को याद है, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ. ते वचन तुम्हारा लग साता है का वही विचार. Any young people? कोई जवान लोग? कौन तरुण व्यक्ति? We heard that verse sometime. We read that verse. Anyone remembers? हमने वो वचन पढ़ा है. The Thessalonians, about the Thessalonians. थिस्सलुनी के बारे में पढ़ा, आपको याद है? थिस्सलुनी लोग का विषय वास लेते वचन लग साता है का. I just want to see that you're with me. You're not in some other world. आप यहाँ पर है या कोई दूसरा कोई दुनिया में बैठे हैं, ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ. तुम्ही आज तुम्ही इथे मजबरोबर आहात किंवा कोणत्या अजून जगा मध्ये आहात हे मी खात्री करू इच्छितो. कोई एक जन बोलिए. यंग पीपल. Yes, second they are quite prompt. Second Thessalonians chapter 1 verse 3. Dusra Thessalonians pehla adhyay uska teesra vachan hai. Dusre Thessalonians pehla adhyay teesre vachan. Not only our faith, even our love must abound. Keval vishwas nahi, hamara prem bhi badhna chahiye. Vishwas evdes nahi tar apli preeti sudha vadli pahije. Our love towards God. Parmeshwar ki or jo prem hai. Parmeshwar vishay asleli apli preeti. Our love towards one another. Aapas mein jo prem hai. Ekmekam vishay asleli preeti. Our love towards all men. Aur sare लोगों से जो प्रेम है. सर्व मनुष्य बरोबर असलेली प्रीति. यस, ओनली गॉड्स लव कैन डू दिस काइंड ऑफ वर्क. हाँ, परमेश्वर का प्रेम ही केवल ऐसे काम कर सकता है. तो प्रभु की प्रीति ऐसा गोष्ठी करू सकते हैं. अवर लव, अवर नेचुरल लव इज अ वेरी लिमिटेड वन. हमारा प्राकृतिक प्रेम जो है उसमें एक सीमा है. अपने प्रीतिला एक सीमा है. व्हेन गॉड्स लव कम्स इनटू अस वी सी डिफरेंट डायमेंशन. हम जब परमेश्वर का प्रेम में आ जाएंगे तो उसके कई पहलू ऐसे हम समझेंगे. परंतु देवाची प्रीति अपने प्रीति से पण अनेक भाग पाहतो. लेट अस रीड द डिफरेंट डायमेंशंस, द डायमेंशंस गिवन टू द लव ऑफ गॉड. परमेश्वर का प्रेम के अलग अलग भाग या पहलू है, उसके बारे में हम पढ़े. देवाचा प्रीति चा विविध भाग अपन पाहूया. एफिशियंस 3:18. एफिसी 3:18. इफिस करस्पत्री 3:18 वचन. So here we see the different aspects of the love of God. यहाँ परमेश्वर का प्रेम का कई पहलू के बारे में देखते हैं. प्रभु चा प्रीति चा अनेक भाग है ते पाहतो. Because you may have heard different revelations. आप कई प्रकार का प्रगटीकरण पहले सुना होगा. तुम्ही कदाचित याचे अनेक प्रगटीकरण ऐकले असतील. But for our meditation, I will give you a particular revelation. हमारे ध्यान के लिए मैं अलग ही एक प्रकाश आपको देना चाहता हूँ. परंतु आज आपल्या मननासाठी आज एक प्रगटीकरण देतो. When the love of God comes into us, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, प्रभु की प्रीति अपने मध्ये येते. देयर इज अ ब्रेथ टू द लव ऑफ गॉड. परमेश्वर का प्रेम का एक चौड़ाई है. प्रभु चा प्रीति ला एक रुंदिया है. व्हाट डज दिस ब्रेथ शो? वो चौड़ाई किसको दिखाता है? रुंदी कशाला दर्शवते. ब्रेथ शोज द लव ऑफ द ब्रदरन. और भाइयों का वो आपसी प्रेम को दिखाता है. रुंदी है बंधु प्रीति ला दर्शवते. हाउ इट यूनाइट्स ऑल गॉड्स पीपल एज वन. वो कैसे परमेश्वर के अलग अलग लोगों को एक साथ उसे मेल कर देता, जोड़ देता है. कशारी तिनेती विविध लोक देवाचा लोकांना एक करून जोडते. यू कैन गो बैक एंड रीड इन फर्स्ट पीटर 1:22 हाउ दिस लव इज वर्क्स इन द चर्च ऑफ गॉड. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 22वां वचन अब घर जाकर पढ़ के देखिए कैसे ये प्रेम में कलिसिया एक किया जाता है. पहले पेत्र पहला अध्याय 22वें वचन मध्ये या प्रीति मुळे मंडळी कशी एक करण्यात येते याविषयी वाचू शकता. इट्स अ प्योर लव ऑफ गॉड. वो परमेश्वर का शुद्ध प्रेम है. ती प्रभुची शुद्ध प्रीति. देयर इज नो डिफाइलमेंट इन दैट. उसमें कोई मलिनता नहीं. या प्रीति मध्ये मलिनता नाही. एंड दिस लव यूनाइट्स अस एज ब्रदरन. और ये प्रेम हमको भाइयों होकर एक साथ हमको जोड़ता है. ती प्रीति बंधु होऊन आपल्याला एक करीते. यस, गॉड वांट्स अस इंक्रीज इन दिस लव. परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रेम में बढ़े. प्रभु इच्छा करीतो की त्या प्रीति मध्ये आपण वाढावे. एंड द नेक्स्ट डायमेंशन इज अ लेंथ ऑफ द लव ऑफ गॉड. प्रेम का अगला हिस्सा जो है उसका लंबाई है. आणि प्रीतीचा दुसरा भाग म्हणजे त्याची लांबी.
लंबी व्हाट इज लेंथ शो और ये लंबाई किसको दिखाती है लंबी कशाला दर्शाते लव टुवर्ड्स ऑल मेन और सारे लोगों को प्यार कर सर्व मनुष्य विशेष लीली प्रीति एंड द वर्स फॉर दैट उसके लिए वचन क्या विषय से वचन फर्स्ट थेसलोनिक्स चैप्टर 3:12 पहला थेसलोनी तीसरा अध्याय 12 वचन पहले थेसलोनी तीसरा अध्याय 12 वचन एंड द लॉर्ड मेक यू टू इंक्रीज एंड अबाउंड इन लव वन टुवर्ड अनदर एंड टुवर्ड ऑल मैन इवन एज वी डू टुवर्ड यू टुवर्ड्स ऑल मैन और सारे लोगों की ओर जो प्रेम है आणि जशी आमची प्रीती तुम्हावर आहे तशी प्रभु तुमची प्रीती एकमेकांवर व सर्वावर वाढवून विपुल करो ओनली थ्रू दैट लव वी कैन ड्रॉ अदर्स टू गॉड हा उसी प्रेम के द्वारा और लोगों को हम येशु की ओर ला सकता है त्या प्रीतीने इतरांना प्रभुकडे आणता येईल बिकॉज देर आर सो मेनी मिलियन्स गोइंग टू हेल फायर डेली क्योंकि देखिए सैकड़ों लोग रोजाना नरक की आग की ओर बढ़ रहे हैं कारण कोटी कोटी ने लोग नरकाकडे जात आहे When the length of the love of God is found in us, we will be able to reach out to every soul. जब परमेश्वर का प्रेम का लंबाई हमारे अंदर आ जाएगा तो हरेक आत्माओं के पास हम पहुंच सकते हैं उनको बचाने के लिए ज्यावेस प्रभु च्या प्रीतीची लांबी आपल्यामध्ये असेल त्यावेस अशा प्रत्येक आत्म्याकडे आपल्याला पोहोचता येईल Let us grow in this aspect of the love of God. प्रेम के इस भाग में हम बढ़े देवाच्या प्रीतीच्या या भागामध्ये आपण वाढूया Then we read about the depth of the love of God. आप प्रेम का गहराई के बारे में आता देवाच्या प्रीतीच्या खोली विषयी पाहूया What is the depth show? वो गहराई किसको दिखाता है खोली कशाला दर्शवते सैक्रिफिशियल लव और एक बलिदान का प्रेम बलिदान रूपी प्रीति इन क्राइस्ट वी सी दैट एस्पेक्ट ऑफ लव ऑल्सो मसीह में उस बात को भी हम देखते हैं ख्रिस्ता मध्ये त्या प्रकार की प्रीति पाहतो ऑफन वी मेडिटेट ऑन द सैक्रिफिशियल लव ऑफ क्राइस्ट और खास हम उस इस मसीह का जो बलिदान का प्रेम है उसको हम पढ़ते हैं वारंवार अपन प्रभु ख्रिस्ताच्या बलिदान रूपी प्रीति विषय मनन करतो एंड वी नीड दैट सेम सैक्रिफिशियल लव ऑफ क्राइस्ट त्याग के भावना का प्रेम हमारे अंदर चाहिए ख्रिस्ता मधील तो तेज बलिदान रूपी प्रीति अपने मध्य हवे जस्ट ट्वाइस एंड पॉल सेज वी आर कंस्ट्रेन्ड बाय द लव ऑफ क्राइस्ट इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम से विवश किए जाते हैं त्यामुळे संत पौल म्हणतो ख्रिस्ताची प्रीति आम्हास विवश करीते जस्ट लुक थिंक फॉर अ मोमेंट अबाउट द सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट एक लम्हा के लिए येशु मसीह के उस बलिदान को ध्यान कीजिए एक क्षणासाठी ख्रिस्ताच्या बलिदानाविषयी मनन करा वी सफर सो मच पहले हमने ऐसे त्याने का असे सहन करावे वी से फॉर एक्झाम्पल आय एम टेक माय सेल्फ एज एन एक्झाम्पल मी आपले आपण उदाहरण कहता हूं उदाहरणार्थ मी स्वतःविषयी विचार करे क्राइस्ट डाइड फॉर मी येशू मसीह मेरे मर गया ख्रिस्ता मज करिता मेला बट व्हाई डिड ही डाई फिर वो क्यों मर गया परंतु तो का मेला ऑल द ईवल दैट वॉज इन मी मेरे अंदर का सारे बुराई की मध्ये असलेल्या वाईटपणामुळे फॉर ऑल द रॉन्ग डुईंग्स इन मी मेरे सारे बुरे कामों के लिए माझ्या मधील सर्व चुकांकरिता फॉर ऑल द रॉन्ग थॉट्स इन मी मेरे अंदर के सारे गलत सोच विचारों के माझ्या मधील असलेले सर्व गैर विचारांकरिता ऑल द बिटरनेस इन मी मेरे अंदर का सारे कडवाहट के माझ्या मधील सर्व कडूपणामुळे ऑल द एंगर इन मी मेरे अंदर का सारे क्रोध के लिए माझ्या मधील सर्व द्वेषाकरिता ऑल द प्राइड इन मी मेरे अंदर का सारे घमंड के लिए माझ्या मधील सर्व गर्वाकरिता देयर वाज सो मेनी ईविल इन मी और मेरे अंदर बहुत से बुराई है माझ्या मध्ये अनेक वाईट होते सो क्राइस्ट हैड टू कम एंड डाई फॉर ऑल दिस ईविल और इस सारे बुराई के लिए येशु मसीह आना था और मेरे लिए बलिदान होना था या सर्व वाईटांसाठी येशूला यावे लागले व मरावे लागले जस्ट फॉर वन पर्सन लाइक मी ही हैड टू सफर सो मच और एक व्यक्ति के लिए येशू मसीह इतना दुख उठाना था माझ्या सारख्या असलेल्या एका व्यक्तीसाठी येशूला एवढे कष्ट सहन करावे लागले दॅट इज सो व्हॉट अबाउट द मिलियन्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड ऐसा हो तो दुनिया के सैकड़ो लोगों के बारे में क्या बोले कसे असेल तर जगातील शेकडो लोकांबाबत कसे असेल दॅट सफरिंग हॅड टू बी मल्टीप्लाइड सो मेनी मिलियन टाइम्स वो क्लेश को हजारों बार उसका गुणना करना है या कष्टांना किती शेकडो वेळांनी गुणिले पाहिजे यस दॅट्स अ डेप्थ ऑफ द लव ऑफ क्राइस्ट वही परमेश्वर का या मसीह का प्रेम का गहराई है ख्रिस्ताच्या प्रीतीची तीच खोली वेन वी कम टू अंडरस्टँड द डेप्थ ऑफ द लव ऑफ क्राइस्ट मसीह का प्रेम का गहराई को जो हम समझते हैं ख्रिस्ताच्या प्रीतीची ती खोलीच्या वेळेस लक्षात येते वी विल बी विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर क्राइस्ट हम येशू के लिए कुछ भी करने के
करे तैयार हो जाएंगे ख्रिस्तासाठी काही करण्यास आपण तयार असू विलिंग टू फॉरसेक एनीथिंग फॉर क्राइस्ट हम कोई भी बातों को त्याग करने के तैयार हो जाएंगे ख्रिस्तासाठी कोणत्याही गोष्टींचा त्याग करण्यास तयार असू टू ले डाउन आवर लाइव्स फॉर क्राइस्ट हमारे जीवन भी येशू के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएंगे जीवन ख्रिस्तासाठी समर्पण करण्यास तयार असू द लव ऑफ क्राइस्ट टेक्स कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ मसीह का प्रेम हमारे जीवन को अपने काबू में कर लेता है ख्रिस्ताची प्रीति ज्या वेळेस आपले जीवनाचा नियंत्रण राखते वी विल क्राई आउट एंड से लॉर्ड आई हैव गॉट नथिंग टू गिव यू हम पुकार कर बोलेंगे प्रभु जी मुझे आप तेरे पास देने के लिए बाकी कुछ भी नहीं रहा ज्या वेळेस प्रभुला हाक मारून म्हणाल प्रभु माझ्याकडे तुला देण्यास काही नाही इवन ऑल दॅट आय हॅव टू आय पुट इट ॲट युअर फीट दॅट वुड नॉट सफाइस दॅट वुड नॉट सॅटिस्फाय दॅट लव दॅट सॅक्रिफिशियल लव मेरे पास जो कुछ है सब कुछ तेरे चरणों में अर्पण करने के बावजूद भी उस महान बलिदान के बदले में मैं कुछ नहीं दिया है माझ्याकडे असलेले सर्व काही तुझ्या चरणी ठेवले तरी तुझ्या त्या महान बलिदानाच्या बदल्यामध्ये ते काही नाही लेट अस ग्रो इन द सॅक्रिफिशियल लव हम इस त्याग के उस प्रेम में बढ़े या बलिदान रूपी असलेल्या प्रीतीमध्ये आपण वाढूया वी हैव टू ऑल्सो नो द हाइट ऑफ द लव ऑफ गॉड अब उसके प्रेम के ऊंचाई को भी समझना है त्याच्या प्रीतीच्या उंचीलाही जाणून घेतले पाहिजे व्हाट इज द हाइट शो वो ऊंचाई किसको दिखाता है ऊंची कशाला दर्शवते द हाइट स्पीक्स अबाउट द थ्रोन ऑफ गॉड्स लव वो ऊंचाई परमेश्वर प्रेम का सिंहासन को दिखाता है ऊंची ही प्रभूच्या सिंहासनाच्या प्रीतीविषयी म्हणते As we read in Zephaniah 3:17 सफनिया 3:17 में सफनिया तिसरा अध्याय 17 वचनात वाचतो गॉड विल रेस्ट इन हिज लव परमेश्वर अपने प्रेम में विश्राम करेगा देव त्याच्या प्रीतीमध्ये विश्रांती घे हो गॉड विल रेस्ट इन द थ्रोन ऑफ हिज लव परमेश्वर अपने प्रेम के सिंहासन में विश्राम करेगा देव त्याच्या प्रीतीच्या सिंहासनावर विसावेल यू एंड मी आई वी शुड बिकम द थ्रोन ऑफ गॉड्स लव मैं और आप परमेश्वर का प्रेम का सिंहासन बन जाना चाहिए तुम्ही आपण देवाच्या प्रीतीचे सिंहासन बनले पाहिजे वी आर फिल्ड विथ दिस लव जब हम इस प्रेम से भर जाएंगे प्रीतीने ज्या वेळेस आपण भरले कॉन्कर एव्हरीथिंग हम सारे बातों को ऊपर जय पाएंगे ज्या वेळेस सर्व गोष्टीवर जय प्राप्त करू नथिंग कॅन स्टँड बिफोर अस हमारे सामने कुछ भी नहीं खड़ा रह सकता है समोर काही उभे राहू शकत नाही नथिंग कॅन स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू न्यू जेरुसलम और झायन यरुशलेम और सियोन जाने से कोई भी बात हमें रोक नहीं सकता है सियोन और नवीन यरुशलेम में जाण्यापासून काही आपल्याला थांबवू शकत नाही लेट अस ग्रो इन द हाइट ऑफ द लव ऑफ गॉड आइए परमेश्वर प्रेम के ऊंचाई की ओर हम बढ़े देवाच्या प्रीतीच्या उंचीमध्ये वाढूया दिस वाई द सामी सेज द लॉर्ड प्रिझर्व्ह ऑल दॅट लव हिम इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है जो कोई उसको प्रेम करते उनको सब वो संभालता है त्यामुळे संगीतकार म्हणतो देव त्याच्यावर प्रीती करणाऱ्यास राखून ठेवतो यू कॅन रीड फॉर युअरसेल्फ इन साम्स 145:20 वो 145 का 20वा वचन है स्तोत्र संहिता 145 त्याच्या 20वा वचनात ते वाचतो आय विल जस्ट टेल यू वन ऑर टू पॉइंट्स एंड कंक्लूड एक दो बात और बोध का मैं समाप्त करूंगा एक दो मुद्दे सांगून थांबू इच्छितो नेक्स्ट वी आर टोल्ड टू स्ट्रेंथन द स्टेक्स अब जो खूंटों को मजबूत करने के बारे में बोला गया है त्यानंतर त्याचे जे खुंटी आहे ते आपण स्थिर केले पाहिजे व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस स्टेक्स और ये खूंटों का मतलब क्या है खुंटीचे उपयोग काय और टू कीप दैट टेंट इन पोजिशन उस तंबू को सही स्थान में स्थिर रखने के लिए त्या तंबूला योग्य स्थानामध्ये बळकटी देण्यास सो दॅट इट मे नॉट बी स्वेप्ट अवे बाय द विंड ताकि वो हवा से यहां वहां डावाडोल ना हुए म्हणजे ते वाऱ्यामुळे ते हलणार नाही व्हाट डज दिस शो इन आवर लाईफ हमारे जीवन में किसको दिखाता है आपल्या जीवनात कशाला दर्शवते स्पीक्स अबाउट द होप दॅट गॉड हॅज गिवन टू अस परमेश्वर ने दिए हुए आशा को दिखाता है प्रभुने दिलेल्या आशाला ते दर्शवते सेंट पॉल स्पीकिंग अबाउट दिस होप व्हाट डज ही से पॉलुस इस आशा के बारे में जब बोलता है तो क्या कहता है सेंट पॉल या आशेविषयी काय म्हणतो इन कोलोशियन्स चॅप्टर 1:23 कोलोसी पहिला अध्याय 23 वचन में कोलोसे करासपत्र पहिला अध्याय 23 वचनात बी नॉट मूव्ड अवे फ्रॉम द होप ऑफ द गॉस्पेल सुसमाचार के आशा से कभी दूर न जाना सुवार त्याच्या आशेपासून लांब जाऊ नका इन हिब्रूज चॅप्टर 6:19 हेब्रानी 6:19 में हिब्री सावत है 19 वचनामध्ये देयर वी रीड दॅट इज होप इज लाईक एन अँकर वहां पर इस आशा को एक लंगर के साथ तुलना किया गया है त्या आशेला आपण एका नांगराबरोबर म्हणून तुलना करता येते वेन द शिप हॅज टू बी इन वन प्लेस इन अ सी इन ऑर्डर टू कीप इट इन वन प्लेस समुद्र में जहाज एक जगह यदि टिकना है तो उसके लिए वो लंगर चाहिए समुद्रामध्ये जर कोठे तरी एक जहाज जर ठेवायचे असेल पुट द अँकर वहां पर वो लंगर डालेंगे तेथे तो नांगर खाली सोडला पाहिजे आवर शिप ऑफ फेथ इफ इट इज बी स्टेबल विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द वेव एंड द सी वी नीड दिस अँकर ऑफ द होप हमारे विश्वास का जहाज आंधी तूफान या परीक्षाओं में डावाडोल ना होकर स्थिर रहने के लिए हमें आशा की लंगर की आवश्यकता है विश्वास रूपी तारू न डगमग वादळामध्ये आणि लाटामध्ये न डगमगता स्थिर राहायचं असेल तर हे
आशा रूपी नांगर हवे. What is our hope? हमारी आशा क्या है? अपनी आशा कौन थी? We shall attain the glory of God. हम प्रभु का जलाल या महिमा को पाएंगे. प्रभु से ते गौरव प्राप्त करो. Romans 5:2 says, we shall attain the glory of God. रोमी 5:2 में ऐसे पढ़ते हैं कि हम उसका महिमा को पाएंगे. रोमकरस पत्र 5:2 दूसरे वचन तो हस्तो देवा से ते गौरव अपन प्राप्त करो. What is our hope? हमारी आशा क्या है? अपनी आशा कौन थी? We shall reach the most holy place. हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे. अपन परम पवित्र स्थान में प्रवेश करो. Hebrews 6:20. हिब्रानी 6:20. इब्री 6:20. Yes, the forerunner Jesus is waiting for us. हमारा अगुआ यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है. पुढे गेलेले येशु तेथे वाट पाहता है. What is our hope? हमारी आशा क्या है? अपनी आशा कौन थी? We shall be like him when we meet Jesus in the midair. और बीच आसमान में हमारा यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे. हम उसके जैसे बदल जाएंगे. मध्य आकाशा मध्य येशु भेटू त्यावेळेस आपण त्याच्या समान बनू. In 1 John chapter 3 verse 2 and 3 we read that when he comes we shall be like him. पहला योना तीसरा अध्याय उसका दूसरा तीसरा वचन ऐसे पढ़ते हैं, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान बदल जाएंगे. पहले योना तीसरा अध्याय दूसरे तीसरा वचन वाचतो, ज्यावेळेस तो प्रकट होईल त्यावेळेस आपण त्याच्या समान बनू. Let us abound in the hope that God has given to us. आइए परमेश्वर ने दिए हुए उस आशा में हम बढ़ते जाएं. प्रभु ने आपल्याला दिलेल्या आशेमध्ये आपण वाढूया. And this year the Lord may come. और इस साल शायद हमारा प्रभु आ जाए. या वर्षी प्रभु येऊ शकतो. And the signs of his coming are very seen very clearly in these days. और इन दिनों में उसके आगमन का निशानी बहुत सफाई से दिखाई दे रहा है. या दिवसांमध्ये प्रभुच्या आगमनाचे चिन्ह स्पष्ट दिसत आहे. Therefore let us not be moved away from the hope that God has given to us. इसलिए प्रभु में दिए हुए उस आशा से हम हिलाए ना जाने दें. त्यामुळे प्रभु ने दिलेल्या आशेपासून आपण हलू नये. Let us grow in our spiritual life through the word of God. प्रभु के वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़े. देवाच्या वचनामधून आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये वाढूया. Let us take in the strong meat and become perfect. हम सख्त भोजन लेकर हम सिद्ध हो जाए. जड अन्न खाऊन आपण परिपूर्ण होऊया. Let us grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु का अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ते जाए. प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या ज्ञानामध्ये कृपेमध्ये वाढूया. And finally one more thing he wants us to abound. और एक बातों में वो चाहता है कि हम बढ़े. अजून एक गोष्ट आहे ज्यामध्ये त्याची इच्छा आहे की आपण वाढावे. 1 Corinthians 15:58. पहले करिंथ 15 अध्याय 58 वचन. Your labor is not vain in the Lord. तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है. प्रभु तुमसे परिश्रम व्यर्थ नहीं. Therefore let us abound in the work of the Lord. आइए प्रभु के काम में बढ़ते जाएं. त्यामुळे प्रभुच्या कामामध्ये आपण वाढूया. Very soon the Lord will come. बहुत जल्दी हमारा येशु आएगा. फार लवकर आपला प्रभु येशू येईल. And he is going to reward us according to our works. हमारे कामों के अनुसार वो हमें प्रतिफल देगा. कामानुसार आपल्याला तो प्रतिफल देईल. Let him look at us and say, "Well done, thou good and faithful servant." हमें वो देख के बोलेगा, शाबाश मेरे दास, विश्वास योग्य और भला दास. त्यामुळे तो आपल्याला पाहून म्हणेल की माझा विश्वासू दास तू उत्तम केले. Shall we all be on our knees? आई हम सब घुटना में बैठ जाए. या आपल्या गुडघ्यांवर बसूया. हमारा जीवन प्रभु का हाथों समर्पण. जीवन प्रभु छाती समर्पण करूया. Receive new grace from the Lord. प्रभु से नया अनुग्रह पाले. प्रभु कडून नवीन कृपा प्राप्त करूया. Receive new anointing from the Lord. प्रभु से नया अभिषेक पाले. प्रभु कडून नवीन अभिषेक प्राप्त करूया. Before we leave this campus. ये जगह से जाने से पहले. ठिकाण सोडून जाने अगोदर. Now in a man. हमारे अंदरूनी मनुष्य में बलवंत होने दे. अंतर्यामी मनुष्य मध्ये बलवंत होऊया. Let us enlarge the place of our tent. हमारे तंबू को हम बड़ा करें. डेरेना लाम उंद बढ़ूया. Let us stretch forth the curtains of our habitation. हमारे निवास स्थान के पर्दे को हम पूरा लंबा करें. कनाथिया पर लांब करूया. Let us strengthen our steps. और हमारे खूंटों को मजबूत करें. खूंटी मजबूत करूया. Let us lengthen the cords. और रस्सियों को भी लंबा करें. दोरिया लांब करूया. और let us abound in the work of the Lord. प्रभु के काम में हम बढ़ते जाएं. काम हमारे वाढूया. Jesus is coming soon. हाँ येशु जल्दी आ रहा है. येशु लोग करिए. Jesus is coming soon. येशु जल्दी आता है. येशु लोग करिए. Yes, he's going to come in the middle. बीच आसमान में आ रहा है. क्या पैसा मदे तो ये. All of our trials are going to be over. हमारे सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे. अपने सर्व परिश्रम देते थक. All of our sufferings are going to be over. हमारे सारे पीड़ा खत्म हो जाएगा.
pain is going to be over. हमारे सारे दर्द खत्म हो जाएगा. अपने सर हो गए इतना तेते थामती. No more sickness. आगे कोई बीमारी नहीं. मजा सा रहा है. We are going to be forever with the Lord. हमारे प्रभु के साथ सदा वहाँ रहेंगे. ये प्रभु बराबर बना हो. Yes, rejoice in that. आइए प्रभु में मगन हो जाए. क्या मगन पड़ा रहती जाए. Rejoice because Jesus is coming soon.